गोस्वामी महाराज की जय। जयत्रिलाग्र विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री कृष्णमध्वस्तु प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जयत्रिलाग्र विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री कृष्णमध्वस्तु वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जयत्रिलाग्र विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री कृष्णमध्वस्तु वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज की जय। जयत्रिलाग्र विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री कृष्णमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। माँ भागवत श्रील गौर किशोर दास स्वामी वाजी महाराज की जय। सचिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास स्वामी वाजी महाराज की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ हरिज गोपाल भट्टदास रघुनाथ ए सड़े गोस्वामी प्रभु की जय। नाम आचार्य जल हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौश कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। राय रामानंद सरगुदा मंदरादि गौर पार्षद वृंद की जय। नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास प्रभु त्रय की जय। राधा कृष्ण गोपी गौ गोवर्धन राधाकुंड श्याम कुंड द्वादशवनात्मक श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री नव प्रभु नवद्वीप धाम की जय। जय श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन चक्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। भक्तदेव तुलसीदेव की जय। गंगा जमुना सरस्वती जीव की जय। चारि धाम चारि संप्रदाय चारि आचार्य की जय। अब सब लोग पढ़ी दे ठीक है। फिर आचार्य की जय। जय श्रील गरुड़देव की जय। भक्त श्रेष्ठ श्रील प्रह्लाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशन करण सिंह देव की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। कपरिकर गौर हरि की जय। अनंत बट गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान सहगन ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामयं गुरुदेवाय धीमते सममृतये श्री श्रीमद्भक्ति श्रीरूप सिद्धान्ति प्रभो विश्री महात्मने। नामयं विष्णुपादाय राधिकाय यही प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण इति नामिने। नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणि श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नामयं विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धांत सरस्वती इति नामिने। त्रिवारसभायन विदेवे दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणि श्रीरूपानुग विरुधाभ सिद्धांत दंतहारिणे। नमः गौरकिशोराय साक्षाद वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबुधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमः भक्तिविनदाय सचिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगमराय ते गौरविभावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री
जगन्नाथाय ते नमः। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। माइक ले लो। नमः महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरे प्रिय वृंदाये तुलसी देवै प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसको घुमा दो उस तरफ गुरुदेव दया करेगा। गुरुदेव दया कर प्राण से प्यारे
संभाला जबो तेरी मेरी को सब ना देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना संत का सेवक हूँ गुरु चरणों का दास हूँ नहीं नाथ बुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ जग में अकेला हूँ अभी सारी हूँ दिल से बुला दे दया करके मुझको अपना
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय 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 जय
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
কাছে তুমি দেখি চকলেট চকলেট পাওয়া যাবে কিছু টফি এই পাশে পাশে দোকান করে আমার ওই যে আমি কাছে পড়ি না ড্র ভিতরে আছে দেখবে ওখানে 200 টাকা নিয়ে আসে আর রাধা রানী জন্ম হয়েছে সে ছাড়ি দেব 200-300 টাকা নিয়ে আসে নিয়ে আসে ওম জ্ঞান তিমিরাম ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতম যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। फिर कृष्ण का बीच में जन्म होगा ना तो मैं कोई फिर बधाई गा लेना, मैं तो जीव श्याम लला गा चुका हूँ और कोई बधाई देगा। वंशा कल्पतरुभस्य कृपा सिंधु भैवच पतितानांग पावने भो वैष्णवे भो नमो 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 महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्कुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य क्षिप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। तमादि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम स्वरूपम जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्री माधभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज विचरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्री माधभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज विचरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण मथुरा में कंस का कारागार में कृष्ण प्रकट हुए। आज हम लोग सुनेंगे श्रवण करेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बन करके कृष्ण बन करके कैसे प्रकट होते हैं। लेकिन जो लोग डायरेक्ट ये भागवत ग्रंथ को पढ़ते हैं आप किसी को बोलो कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए सबके सब एक वाक्य में बोलेंगे कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए और मथुरा में कृष्ण जन्म हुए। लेकिन हमारे गोस्वामी लोग इन लोगों ने बोले कृष्ण मथुरा में जन्म नहीं हुए कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए। बोले ये जन्म और प्रकट में क्या भेद है। कहते जन्म उसे कहते हैं जैसे स्वाभाविक रूप में माँ की पेट से जब एक बच्चा जन्म लेता है जन्म लेने का बाद फिर उसकी नाड़ी छेदन होती है माँ की पेट के साथ में वो नाड़ जुड़ी हुई रहती है इसलिए इसको कहते हैं जन्म। कहते प्रकट किसको कहते हैं जैसे कृष्ण चतुर्भुज रूप में कंस के कारागार में कृष्ण प्रकट हुए जब देवकी ने कहा प्रभु जी मैं तो आपको पूर्व जन्म में आपका बच्चे रूप में प्रार्थना किया था लेकिन आप तो चतुर्भुज रूप लेकर के घुंघराली केस चमकीले चमकीले वस्त्र और ये चतुर्भुज रूप लेकर के 15-16 साल की जैसे प्रकट हुए इसलिए प्रभु मैं तो चाहता हूँ आप मेरे बालक बन करके आए। तब कृष्ण ने कहा देखो तुम दोनों पूर्व जन्म में प्रिष्णी और सुतपा थे तुम दोनों राजा रानी थे राज्य भोग सुख नहीं करके राज्य पाठ को छोड़ करके मेरे लिए कठोर तपस्या कैसे तपस्या की बोले पेड़ से अपने आप जो पत्ते गिर जाते थे वो पत्ते को खा करके तुम लोगों ने मेरी तपस्या की जब मैं संतुष्ट हो गया बोले वर मांगो तुम दोनों ने वर मांगे बोले प्रभु आप जैसे हमें एक बेटा चाहिए लेकिन मैंने कहा देखो मैं तो असमर्थ तत्व असमर्थ मतलब होता है जिनसे बड़े की बात छोड़ दे जिनके बराबर भी जगत में कोई इस जगत में नहीं इसलिए उपनिषद कहता है न तत् समस्याभ्य अधिकस्य दृश्यते भगवान के बराबर जगत में कोई है नहीं इसलिए वो असमर्थ तत्व है। बोले मैं स्वयं तुम्हारा बालक बन करके जन्म लूंगा इसलिए उसको मैंने याद दिलाने के लिए मैंने प्रकट हुआ हूँ अभी मैं बालक बन जाऊँगा और मेरे को लेकर के गोकुल में रखाना वहाँ पर एक लड़की जन्म हुई होगी वो लड़की को यहाँ पर ले आना इसलिए उन्होंने ऐसे ही बोल करके जैसे देवकी गर्भधारण की हुई थी हठात उसने देखा गर्भ खाली हो गया और एक छोटे से बच्चे फिर वसुदेव महाराज उनको गोकुल में लेकर उनको छोड़ कर के आए। कहते ये मथुरा की कथा है। कहते जो गोकुल की कथा है कहते हमारे श्री जीव गोस्वामी कवि कर्णपुर ने कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म हुए बड़े सुंदर उन्होंने गोकुल को उन्होंने कथा सुनाई बड़ी प्यारी कथा है। अभी कुछ कुछ लोग कहते हैं अरे तुम लोग तो अपना मनमानी जैसे शास्त्र में लिख दिया है कृष्ण गोकुल में जन्म हुए सारा दुनिया जानते हैं कृष्ण मथुरा में जन्म हुए और इनको लेकर के गोकुल में रखे गोकुल से एक बेटी को लेकर के इधर आए तो सारा दुनिया जानता है भागवत में
ये भागवत में कहीं क्या प्रमाण है, कृष्ण गोकुल में जन्म हुए तब हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी श्रील जीव गोस्वामी बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देकर कहते हैं, हैं कले कौन कौन कहाँ कहाँ पर बताया गया, मतलब भागवत में जो गोपी गीत है, हैं जब कृष्ण रासों से अंतर ध्यान हो गए गोपियों ने कहा देखो कृष्ण स्वयं कहते हैं न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न, भगवान को पांडित्य से विद्वता से और प्रवचन से भगवान को प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, जम वैस वृणते तन लभ्य, इसलिए जब वो स्वयं किसको वर्ण करते हैं, इसलिए स्वयं जिसको जानते हैं से ही जाने जा रहे देहु जाना है, वो जिसको कृपा करके जनवाते हैं वही उनको जान सकता है, लेकिन वो कृपा कैसे करते हैं, बोले कलयुग में हैं इसे विशेष करके उनको प्राप्ति का सबसे सरल उपाय किया है, भगवान स्वयं कहते हैं ना अहम वसामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय न च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, भगवान स्वयं कहते हैं अगर मेरे को कोई पाना चाहते हो क्या करो मेरे कीर्तन करो, इसलिए मैं कीर्तन में रहता हूँ, बोले चलो हम बैठ करके सबके सब हम कीर्तन करते हैं, क्यों कृष्ण सबसे ज़्यादा प्यारा उनको कृष्ण कीर्तन है, जब उन लोगों ने यमुना किनारा में बैठ करके कीर्तन किया है, कीर्तन का जो पहला श्लोक है इसको कौन कह रही है, राधा रानी स्वयं और जितने ब्रज के गोपियाँ ये सबके सब ये बात को कह रही हैं, बोले जयति ते भिकाम जन्मना अब्रज प्रयत धीरा कहते जय तीते धिकम जन्मना ब्रज, कहते हे श्याम सुंदर ये ब्रज में तो जय जयकार है ही है लेकिन तुम जब से ये ब्रज में जन्म हुए ना इसलिए जन्मना ब्रज, इसलिए तुम्हारी जन्म कहाँ हुआ, बोले ब्रज में वृंदावन में तुम्हारी जन्म हुआ है, कौन कह रही है, ये गोपी राधा रानी स्वयं कहती है, वो तो कभी झूठ नहीं बोलेगी ना, फिर ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा जी को पता चला जब उन्होंने गो बछड़ा को हरण किया वो सोच रहे थे साधारण बालक है, लेकिन भगवान जब अपना विभूति दिखाया अपना ऐश्वर्य दिखाया फिर ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं बोले न ओ मिटते अभ्र बपुषे तड़िताम्बराय गुंजावंत परिपीच लसत मुखाय बन्न सजे कवल बेत्र विषाण बेणु मृदुपदे पशुपांग जाय, ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु आप कौन हो, बोले आप पशुपांग जाय, पशु मतलब होता है जो पशु मतलब गैया को जो पालन करने वाले, गैया को कौन पालन करते थे, नंद बाबा ना वसुदेव महाराज, कौन गैया चराते थे, वसुदेव नहीं नंद बाबा गैया चराते थे जिनके पास में नवलख्य धनु था, हैं इसलिए पशुपांग जाय जो पशु को पालन करते हैं नंद बाबा उनकी औरत से ये कृष्ण जन्म पशुपांग जाय, इसलिए ब्रह्मा जी कहते कृष्ण कौन है, ये नंद के लाला मैया जसोदा की ये दुलाना है, हैं कब जब से गर्गाचार्य जब आए ब्रज में कृष्ण का नामकरण करने के लिए, फिर गर्गाचार्य जी नामकरण करना चाह रहे थे ध्यान लगाया क्योंकि ये त्रिकाल दृष्टा मुनि ध्यान में क्या देखा, ध्यान में देखकर क्या कहते हैं, बोले हे नंद बाबा तुम्हारे जो बेटा है ना कोचित जात तत्तबात्मज है, इसलिए तुम तबात्मज किसका बेटा, बोले तुम्हारा ही बेटा है,
लेकिन कभी कभी उसने पूर्व जन्म में वसुदेव का बेटा बन करके भी जन्म हुआ है, लेकिन ये बेटा किसी के बोले तबात मज, ये तुम्हारा ही बेटा है। फिर जब कृष्ण ब्रज में जन्म हुए, जब श्री सुखदेव गोस्वामी उनकी जन्म महोत्सव का वर्णना कर रहे हैं, कथा 18 श्लोक में किया है, उसका जो पहला नंबर श्लोक है, बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद महामना, कहते हे नंद बाबा तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो, हैं, इसलिए ये जो बेटा है नंदस्तु आत्मज, नंद बाबा का ये बेटा है, नंदस्तु आत्मज जाता लादा महामना, ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। इसलिए भागवत में बहुत सारे श्लोक में प्रमाणित करते हैं कृष्ण कौन है, श्री नंद के लाला मैया जसोदा का ये दुलारा है। बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए अभी हम सुनेंगे कैसे कृष्ण नंद के लाला बन करके आए। बोले श्री कहते श्री नंद बाबा का जो पिताजी उनका नाम था परजन बाबा, उनके 5 बेटे थे, उपानंद सुनंद नंद अभिनंद नंद, ये कहते इनके 5 बेटे हैं। पहले ये नियम होता था जब लोगों का 50 साल से ज़्यादा हो जाता था कोई घर में नहीं रहते थे, सबके सब वानप्रस्थ चले जाते थे, भजन करने के लिए चले जाते थे, जब उनको उम्र हो गया 50 साल के बाद में एका बन बा बन, इसलिए जब उनको बन बन हैं, इसलिए बन में जाओ अभी घर में मत रहो, एका बन बा बन चौबन हैं बन बन, इसलिए सब वृंदावन जानी चाहिए भजन करने के लिए। इसलिए श्री परिजन बाबा ने अपना 5 बेटों को बुला करके बोले देखो बच्चों अभी हमारी उम्र हो गया, बच्चे तुम लोग बड़े हो गए हो, शादीशुदा हो गया, हम दोनों पत्नी पान प्रस्थ जाना चाहते हैं और अपना मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं। बोले पिताजी कोई बात नहीं, अब जाओ अपना साधन भजन करो। बोले मैं जो सबसे बड़ा बेटा उपानंद उसको मैं राज सिंहासन में बैठा करके जाना चाहता हूँ। लेकिन उपानंद ने कहा देखो पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का जो गुण मेरे में नहीं, ये गुण तो श्री नंद में, इसलिए इनका नाम नंद। नंद मतलब क्या है, आनंद इति नंद, सबको जो आनंद प्रदान करे, इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया नंद, इसलिए है उन्होंने आनंद को स्वयं जिसने जन्म दिया, इसलिए इनका नाम श्री नंद है। इसलिए इनको ही राज सिंहासन में बैठाओ, राजा बनने का गुण इसको अंदर में, प्रजा लोग खुश हो गए बोले सही बात बताए, इसलिए उनको राज सिंहासन में बैठा करके दोनों पति पत्नी चले गए। लेकिन अभी 4 भाइयों का तो बच्चे हैं लेकिन केवल श्री नंद बाबा का घर में कोई लाला नहीं, इसलिए उन्होंने यज्ञ किया, तालाब खुदवाया, तीर्थाटन किया है, उन्होंने बड़े बड़े दान पुण्य किया, घर में एक बेटा का जन्म हो जाए, क्यों भविष्य में राज सिंहासन को कौन संभालेगा, बड़े चिंता में थे, लेकिन घर में कोई संतान नहीं हुआ। अभी सोचे हम लोगों ने तो सारे व्रत किया है लेकिन अभी तक हमने एक व्रत बाकी है, बोले कौन सा, बोले एकादशी व्रत, और एकादशी में एक व्रत का नाम है पुत्रदा एकादशी, जो पुत्र को दान देता है, बोले चलो हम दोनों पति पत्नी ये पुत्रदा एकादशी व्रत रखते हैं, तो उन्होंने ये पुत्रदा एकादशी को उन्होंने पालन किया। जब उन्होंने ये पुत्रदा एकादशी को उन्होंने पालन की, जिस दिन उन्होंने पालन करते हुए और रात को उन्होंने विश्राम किया, विश्राम करते समय उनको एकदम ब्रह्म मुहूर्त में दोनों बड़े सुंदर स्वप्न देखे, बोले श्याम चंचलता रुदीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फुटमसौ क्रीडांग मया मल्लोक्यते, तो स्वप्न किया था और दोनों का नींद टूट खुल गई, खुलते ही इतने में नंद बाबा निकल, बोले जसोदे जसोदे मैंने रात में एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा हूँ। जसोदा बोली मैंने भी एक सुंदर स्वप्न देखी है, पहले आप अपना स्वप्न की बात बताओ
फिर मैं अपना स्वप्न की फिर मैं बात बताऊंगी। नंद बाबा बोले मैंने देखा तेरी गोद में एक सुंदर श्याम सलोन सा बालक पौड़ रहा है और तुम्हारी स्तन पान करते समय दोनों धारों से दूध गिरते हुए उसका कुर्ता भीग रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं, मेरे को लगा सचमुच से तुम्हारी गोद में एक बालक है। मैया बोली मेरी स्वप्न सुन लो। बोले बताओ। बोले मैंने भी स्वप्न देखा, मेरे पीछे पीछे एक सुंदर बालक हैं माँ माँ करते करते आ रहा है और कपड़ा पकड़ करके। बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, मैया मेरे को दूध पिला दे, मैया मेरे को गोद में ले ले। मचल रहा था, मैंने स्वप्न नहीं, मैंने लगा सचमुच से कोई एक बालक है। और उसी रात को ही मैया जसोदा गर्भ धारण की, ब्रज में हल्ला हो गया। बोले नंद के लाला होने वाले, और जितने ब्रजवासी थे ना पुरुष लोग, बगलबंदी धोती सुंदर पगड़ी बांध बना करके रखी, और जितने सब ब्रज गोपियाँ सुंदर श्रृंगार और बड़े सुंदर कपड़े बना करके रखे। जब नंदक घर में लाला होगा, हम सब के सब पहन करके हम बधाई स्वागत करने के लिए जाएंगे। अभी भगवान कृष्ण जन्म होने वाले हैं, लेकिन भगवान जन्म होने से पहले क्या होता है? कहते अतः सर्व काल पेत काल परम शोभन। जैसे कोई साधारण कोई राजा आए ना, आज देखना क्या उनके लिए सजावट होता है, हैं क्या उनकी सजावट होती, स्वागत करने के लिए गेट बनाए जाते हैं, कितने दूर से उनको क्या क्या सजाते हैं, और विश्व ब्रह्मांड का मालिक आ रहा है, इसलिए तो उनके लिए कितना स्वागत नहीं होनी चाहिए। इसलिए बोले जय तिथे धिकम जन्म ना ब्रज श्रयत इंदिरा। इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। कहते जो वृंदावन धाम ये लक्ष्मी की क्रीड़ा भूमि बन गई है। यहाँ पर मूल लक्ष्मी कौन है? श्रीमती राधा रानी। राधा रानी पहले आकर के वृंदावन धाम को उन्होंने अपना क्रीड़ा भूमि उन्होंने बना दिया है। सारा दुनिया में जय जयकार हो रहा था। और कहते विशेष करके आकाश में जब मेघ छा जाए, कहते चार व्यक्तियों का प्रसन्न होता है। बोले कौन कौन खुश होते हैं? बोले पहला नंबर है कहते ये मयूर खुश होता है। बोले क्यों? बोले मयूर कब नृत्य करता है? जब आकाश में काला मेघ छा जाए, गड़गड़गड़गड़गड़गड़ आवाज होने लगे और रिमझिम बारिश होने लग जाए ना, तभी मोर पंख खोल करके बड़ा सुंदर नृत्य करता है। कहते यहाँ पर ये मोर कौन है? कहते श्री नीलकंठ श्री भोले बाबा। बोले भोले बाबा क्यों खुश हो रहे थे? बोले कारण है उन्होंने कठोर तपस्या शंकर भी किया। जब भगवान संतुष्ट हुए, बोले वर मांगो। बोले प्रभु मैं चाहता हूँ आप मेरे ऊपर में सुंदर सुंदर लीला करें और मेरे हैं मेरे सर के ऊपर अपना चरण रखे। इसलिए शंकर जी के नंदीश्वर पर्वत रूप में है नंदगांव में वो जो पर्वत है, ये स्वयं श्री नंदीश्वर महादेव ने ये नंदीश्वर पर्वत रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए शंकर जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। बोले दूसरा व्यक्ति कौन प्रसन्न होता है? बोले ये चातक। जो चातक है वो किसी नदी का पानी किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, वो पानी को किसका पानी पीता है? जब बारिश हो। इसलिए आकाश में जब काला मेघ छा जाता है, इसलिए हर समय जो चातक प्यासा हम पानी 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 बोल करके चिल्लाते रहता है, हैं? इसलिए कहते ये लोग कौन है? कहते ये नारद आदि भक्त वृंद है। क्यों? जैसे चातक जैसे स्वाधी नक्षत्र का पानी के बगैर कोई पानी नहीं पीता है, इसलिए जो भक्त वृंद है ना वो उनका जीवन का सर्वस्व क्या है? बोले भगवान की कथा है। ठाकुर जी की कथा को छोड़ करके उनको कोई भी दुनियादारी कोई कथा उनको अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मत कथा मत गथा चिंता बधयन्ते परस्पर। भगवान कहते मेरे जो भक्त है मेरी कथा ही उन्हें अच्छी लगती हैं, मेरी बात ही उनकी अच्छी लगती हैं, मेरे को दर्शन करके खुश होते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु दे करके मेरे भक्त खुश नहीं होते हैं, हैं? इसलिए ये नारद प्रसन्न हो रहे थे। इसलिए जब श्री कृष्ण ब्रज में आए, हैं, एक दिन नारद जी आए देखने के लिए। कृष्ण करते हैं क्या, जब आए मैया जसोमती
कृष्ण को बड़े सुंदर स्नान करा के बड़े सुंदर श्रृंगार करके ब्रजातु खेल कृष्ण गए सखाओं को साथ में खेलने के लिए और थोड़ी देर में धूल में लौटपट उठा करके सारे श्रृंगार को अस्त व्यस्त करते हुए कृष्ण आए। बोले मैया मेरे को दूध पिला दे, गोद में ले ले दूध पिला दे। मैया करे गंधा अभी अभी तुमको स्नान कराया श्रृंगार किया, अभी थोड़ी देर में अभी तुमने सब के सब बिगाड़ दिया, गंधे बच्चा तेरे को मैं गोद में ले लूँगा। लेकिन कृष्ण क्या कर रहे थे, बोले भैया मेरे को एक बार गोद में ले ले, मेरे को एक बार दूध पिला दे। लेकिन मैया क्या कर रही थी, नहीं मैं तेरे को गोद में लूँगी नहीं। इतने में नारद जी आए, बोले हे भगवान देखो जिन भगवान को हैं, जिन भगवान को हम चाहते प्रभु एक बार हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, एक बार प्रभु का दर्शन मिले, और जिनको पाने के लिए जम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत दिपत स्तुनई हैं, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा शंकर नारद जिनको पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, हैं पश्यति जत सामगा। इसलिए कहते जिनको प्राप्त नहीं कर पाते आज कृष्ण स्वयं मचल रहे हैं मैया की गोद में चढ़ने के लिए। लेकिन मैया क्या कहती, तू गंधा बचा तेरे को मैं गोद नहीं लूँ। बोले मैया ने क्या सौभाग्य है, इसलिए क्या सौभाग्य की है जो कि कृष्ण मचलते हैं और मैया उनको भगा रही हैं। इसलिए कहती ये कौन, बोले नारद है। इसलिए दो व्यक्ति हो गए, बोले तीसरा व्यक्ति कौन खुश होता है, कहते दाबा नल में दग्ध हाथी ये खुश होते हैं। बोले ये लोग कौन हैं, बोले जब जंगल में आग लग जाती है जो हाथी इनको बड़ा कष्ट होता है, इधर उधर भागते रहते हैं अपना प्राण बचाने के लिए, इधर उधर भागते रहते हैं। लेकिन वहाँ तो कोई फायर ब्रिगेड काम करता नहीं, अगर उसी समय में घमासान आकाश से बारिश ही होना फिर जाकर के जंगल का आग कहीं शांत तो होती है। कहते भैया यहाँ पर कौन है, हाँ इसलिए कहते इंद्र चंद्र वायु वरुण देवता है, राक्षस लोग बड़े बड़े दैत्य लोग प्रकट होकर के सारे देवताओं को ऊपर में उपद्रव कर रहे थे, ये लोग दुखी हो रहे थे। लेकिन जब इन लोगों ने देखा आकाश में काला मेघ छा गया, काला मेघ मतलब कृष्णा हैं, आकाश में काला मेघ छा गया भास, सारे देवता लोग प्रसन्न हो रहे थे आज अभी भगवान प्रकट होने वाले, और भगवान प्रकट होकर क्या करेंगे, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए भगवान प्रकट होकर के दुष्टों को विनाश करते हैं और संतों को ये रक्षा करते हैं। इसलिए सारे कौन प्रसन्न हो रहे थे, सारे देवता लोग प्रसन्न हो रहे थे। बोले चौथा व्यक्ति कौन प्रसन्न होता है, कौन, हाँ कहते किसान खुश होते हैं। बोले ये किसान क्यों खुश होते हैं, बोले किसान जैसे खेती में बीज बोते हैं अगर बारिश नहीं होगा तो सब खत्म हो जाएगी, इसलिए कहते ये किसान कौन है, कहते किसान पितामह ब्रह्मा। कहते पितामह ब्रह्मा ये दुखी क्यों हो रहे थे, क्योंकि जो दुनिया को सृष्टि किया है ब्रह्मा के काम है सृष्टि करना, लेकिन उन्होंने तो सृष्टि किया है लेकिन ये कंस जैसे दुष्ट लोग आकर के हैं, जरासंध जैसे दुष्ट लोग आकर क्या कर रहे थे, ये अत्याचार करके सबके सब को नष्ट कर रहे थे। इसलिए यहाँ पर पितामह ब्रह्मा जी बड़े दुखी थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कृष्ण रूप मेघ आकाश में छा गया, बस पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हो गए हैं, कुछ पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, क्यों, अभी कृष्ण जन्म ग्रहण करके दुष्टों को विनाश करेंगे, अब पृथ्वी को ये पालन करेंगे। इसलिए अभी कृष्ण जन्म लेने वाले, इसलिए सारा दुनिया में जय जयकार हो रहा था, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, अरे कोई जय के है बोल तो जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण के कन्हैया लाल की, इसलिए सबके सब प्रसन्न हो रहे थे। इतने में मैया जसोदा की जो गर्भ धारण की है, अभी कृष्ण जन्म लेने वाले, अभी नंद बाबा की बहन थी जिसका नाम थी सुनंदा, वो तो 6 महीना पहले से आकर जम करके बैठी गई। बोले क्यों, बोले भाभी गर्भवती, अभी भाभी का जन्म होगा ना, बच्चा जन्म लेगा तो
बस भैया मेरे को दान दक्षिणा देंगे, दहेज देंगे, दान दक्षिणा देंगे। वो तो 6 महीना पहले आकर बैठ गई और घर का सारे काम काज को भाग दौड़ करके कर रही थी। ऐसे लग रहा था आज रात को ही कोई बच्चा जन्म लेने वाले हैं, हैं? आज रात को कोई ही बच्चा जन्म लेगा। बोले एक काम करो, रात का 8 बजे तक तो सब जगे रहते हैं, उसको बाद में सब सो जाते हैं, हैं? पहले तो 8 बजे सब खा पी कर सो जाते थे और सवेरे सवेरे उठ जाते थे, 4-5 बजे उठ करके अपना काम खेती बाड़ी सब देखते थे, गोदोहन करते थे, हैं? ऐसे नहीं, टीवी तो था नहीं, जब टीवी को 1-2 बजे तक देखो और सो जाओ और सवेरे 8-9 बजे उठो, हैं? इसलिए ये सब थी नहीं। इसलिए लोग क्या पहले करते थे, रामायण महाभारत और भागवत ये सब ग्रंथों को लोग पढ़ाई करते थे, ये लोग ये सब चीज़ को। इसलिए इसलिए सबके सब भले 8 बजे सबके सब सो जाएंगे, एक काम करो, हैं? लगता है आज रात को बच्चा की जन्म होगा, भले 2 घंटा 2 घंटा ड्यूटी लगा दो और मजीरा ढोलकी दे दो, सबके सब कीर्तन करते रहे, पता नहीं बच्चा कब जन्म हो जाएगा। इसलिए सबके सब बैठ करके सबके सब क्या कर रहे थे, सबके सब बड़े सुंदर सुंदर भगवान की भजन को गा रहे थे। क्या बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण
इसलिए जो जग रहे थे वो सबके सब कितने बजे तक, उन लोग तो जगे, लेकिन जब रात 12 बजा इतने में जोग माया ने आकर के सबको सुला दी, कहाँ इनका चिमटा गिरी, कहाँ बजरा गिरा, कहाँ ढोलकी गिरी, बाद सबके सब बेहोश होकर पड़ गए। क्यों? जोग माया ने सबको सुला दी। लेकिन इतने में मथुरा से वसुदेव महाराज आए और श्री मैया जसोदा, उन्होंने दो संतान जन्म दिया। कहते पहले तो उन्होंने कृष्ण को जन्म दिया, फिर कृष्ण के बाद में फिर उन्होंने जोग माया को जन्म दिया, उन्होंने दो बच्चे जन्म दिए। पहले दो बच्चे जन्म दिए तो एक कृष्ण कहाँ गए? एक तो मथुरा में थे, एक जसोदा की, दो कृष्ण हो गए, फिर एक कृष्ण कहाँ गए? बोले जो नंदन नंदन जो कृष्ण है ये पूर्ण है, और जो वसुदेव महाराज का जो कृष्ण है कभी ये अंश है, इसलिए ये पूर्ण कृष्ण ने क्या किया, वो अंश कृष्ण को उन्होंने अपना शरीर में मिला दी। लेकिन ये रहस्य किसको पता नहीं पड़ा, बीच में क्या हो गया किसको पता ही नहीं पड़ा, बीच में क्या हो गया किसको समझ में नहीं आया। इसलिए यहाँ पर सबके सब सो रहे थे, जोग निद्रा ने सुला दी थी, एकदम सवेरे सवेरे सुनंदा की नींद भूलती है। नंद बाबा की जो बहनी थी, बोले भैया भाभी का क्या अवस्था हालत है, जाकर के देखे, जाकर के देखा सबके सब सोए पड़े हुए और उनकी गोद में एक सुंदर श्याम रंग का बालक किलकारी मारते हुए खेल रहा था। बोले भैया कब बेटा हो गया किसको पता ही नहीं चला, सबके सब सोए पड़े हुए। कहते सबसे पहला जो खबर है देनी चाहिए नंद बाबा को, फिर मेरे को नवला की हार मिलेगा, 6 महीना से मैं यहाँ पर बैठी हूँ हैं, इसलिए ढूंढो श्री नंद बाबा कहाँ पर। ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट में देखा, वो माला जप कर रहे थे, वो माला जप नहीं हो रहा था, सोच रहे थे घर में लाला कब होगा, घर में छोरा कब जन्म होगा, घर में लाला कब होगा, लाला कब होगा। इतने सुनंदा जा करके बोले भैया कमाल हो गए हो, नंद बाबा तो एकदम छलांग लगा दिए। बोले बहनी कहाँ भयो हो, बोले पहले ये बताओ मेरे को मिलेगा क्या, बाद में फिर बताऊंगी कहाँ भयो है। बोले पहले हैं, इसलिए बताओ मेरे को क्या दोगे। बोले ले नवला की हार तू ले ले। बोले बात इतने बड़ी जिसके सामने नवला की हार भी कुछ भी नहीं। बोले क्या बोल रहे हो, नवला की हार है? बोले बात भी तो बहुत बड़ी है, हाँ इसलिए बताओ घर और क्या मिलेगा। बोले जा जितने गैया चरते हैं जमीनी जगह तेरे नाम पर लिखा थी। बोले और क्या दोगे? बोले दे दिया और क्या चाहिए। बोले ले ट्रेजरी का सारी चाबी का डिटेल ले ले, जो इच्छा ले लेना, लेकिन बता घर में क्या हुआ है। बोले बाबा तेरे घर में लाला हुआ है। बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। कहते नंद बाबा वहीं से दौड़ दौड़ करके आए और उन्होंने कितने तपस्या, कितने दान, कितने पुण्य उन्होंने किया था, घर में एक बालक जन्म हो जाए। जीवन में जो पहला बार उन्होंने बालक को देखा, क्योंकि स्वयं परम ब्रह्म परात पर तत्व बालक बन करके आए, इतना प्रसन्न हो गए। भले ब्राह्मण को मैं 9 लाख गैया में दान दूंगा और सिंह को सोने में बढ़वा करके, खूर को चांदी में बढ़ावा करके मैं ये ब्राह्मण को दान दूंगा, साधुओं को दान दूंगा, और 7 तिल का पर्वत, तिल दान का भी बड़ा महत्व है। बोले तिल हैं, तिल के पर्वत, 7 तिल पर्वत में दान दूंगा। उन्होंने संकल्प किया, बोले साधु ब्राह्मण को बुलाओ, उनसे स्वस्ति वाचन कराओ, क्योंकि इनकी कृपा से ही घर में ये बच्चा का जन्म हुआ है। ब्राह्मण लोग आकर के स्वस्ति वाचन पढ़ करके कृष्ण का आशीर्वाद दिए। बोले जाओ ब्रज में सबको नौता दे दो, सबको खबर पहुंचा दो, नंद के लाला हुआ, सबके सब स्वागत करने के लिए आए। और जितने ब्रज गोपियां थी, 84 गज के लहंगा, चुंदरी, कान में कुंडल और दूध दही मक्खन लेकर के सबके सब स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। गोपियां कान में जो कुंडल पहनी हुई थी हैं, वो बड़े जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों? बोले तुम लोग पहुँचने से पहले हमें ही छोड़ दो, हम जाकर कृष्ण को स्वागत करेंगे। उनकी चोटी से जो फूलों की माला थी एक एक इनके चरण में गिर रहा था। बोले किस लिए? बोले कृष्ण को जो स्वागत करने जाते हैं उनके चरण की पूजा करनी चाहिए,
और जितने गोपियाँ थी ना मैया जसोदा को स्वागत कर रही थी, बोले मैया जसोदा बधाई हो, बधाई हो। इसलिए मैया बोली बधाई हो बधाई हो, बोले तुम लोगों का आशीर्वाद से ये बूढ़ी उम्र में भी ये लाला का दर्शन मेरे को मिला, ये लाला मेरे नहीं लाला तुम लोगों को। सब गोपियाँ आशीर्वाद दे रही थी, बोले जुग जुग जी ओरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी ओरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी ओरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी ओरी ज। मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, मैया तेरो और जितने ब्रजवासी पुरुष लोग थे सबके सब कृष्ण का आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन इतने में सबके सब वहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कृष्ण को, हैं इतने में सबके सब तो आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन सबके सब गा रहे थे नाच रहे थे, लेकिन वहाँ पर केवल रोहिणी वहाँ पर नहीं थी। बोले रोहिणी क्यों नहीं थी, बोले कारण ही वो थी प्रसिद्ध भत्रिका। प्रसिद्ध भत्रिका का मतलब होता है जिसका पति दूर देश में हो और विपत्ति में पड़ा हुआ हो, वो कभी सबको सामने नाच नहीं सकती है। पति वसुदेव महाराज मथुरा में कंस के कारागार में बैठे हैं, अगर पति कहीं दूर देश में अगर कारागार में हो पत्नी सबके सामने थोड़ी नाचेगी, और बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई थी। इतने में नंद बाबा ने बोले रोहिणी हैं, जब से तुमने ये ब्रज में आई ना तब से ये ब्रज का जय जयकार हो रहा है, पहले तो दाऊ भैया जन्म हुई उसके बाद में मेरे लाला जन्म हुआ, जब से तू आई ना तब से ये ब्रज में जयजयकार हो रहा है, हैं? और घर के सदस्य तुम हो, मेरे को पता तुम प्रसिद्ध भत्रिका हो, लेकिन कम से कम मेरे लाला को तो आशीर्वाद देकर गया। इतने में उन्होंने 15 दिन पहले बलदेव प्रभु जन्म हुए थे, जन्म से आंख बंद करके रखे थे, उनकी इच्छा थी पहला बार में अपना कृष्ण को दर्शन करके फिर ये आंख को मैं खोलूंगा। फिर इतने में जब उन्होंने बलदेव प्रभु को ले आए और कृष्ण को सामने में आते ही इनके आँख खुल गई, और जो रोहिणी यद्यपि दुखी थी लेकिन उनको आनंद की सीमा नहीं रही, वो भी सबके साथ में नाच उठी। एक भजन का मैं उसको उस तरफ में कर लो। Oh, God.
कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। देखो तो ठीक ठीक है, देखो देखो हरे कृष्ण हाँ हरि बोल हरि बोल। अभी सारे ब्रजवासी लोग आकर के नाच रहे थे, गा रहे थे और नंद महोत्सव को मना रहे थे। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर वो कहते हैं जो कृष्ण
कहाँ पर जन्म हुए हैं कृष्ण? बोलो कहाँ पर जन्म हुए हैं? अरे जोर से बोलो, कृष्ण कहाँ जन्म हुए? गोकुल में जन्म हुए हैं, इसलिए कृष्ण नंद के लाला। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री जसोदा दुलारा की, नंद बाबा की, मैया जसोदा की, बोले श्री दाऊ भैया की, बोले श्री सुभद्रा देवी की, बोले श्री सुदर्शन चक्र की, बोले श्री गिरिराज महाराज की। हरे कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण। इसलिए अभी ब्रज में, हाँ हो गया बैठो तो, इसलिए अभी ब्रज में जय जयकार हो रहे कि भगवान कृष्ण जन्म हुए हैं। इधर क्या हुआ, अभी जिस समय श्री वसुदेव महाराज मथुरा से कृष्ण को लेकर के आए और उन्होंने गोकुल में छोड़ करके और यहाँ से जोग माया को लेकर के चले गए, जब उन्होंने घर में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही जो पहरादार सो गए थे वो छोटी बच्ची ने जोर जोर से रोई, रोने पर सब पहरादार जग गए और हथकड़ी बड़ी अपने आप पड़ गया सबके सब। और जो पहरादार जगते ही दौड़ दौड़ करके गए, बोले महाराज कंस तेरा शत्रु जन्म ले लिया है। कंस तो चिंता कर रहा था कब मेरे शत्रु जन्म होगा और मैं उसको मार डालूंगा। कंस भागते भागते आया, जब आया देखा वहाँ पर बेटा नहीं एक बेटी जन्म हुई। इतने में देवकी बोली, देखो भैया अगर बेटा जन्म होता तो तेरे को मारता, लेकिन बेटा तो नहीं बेटी हुई, फिर इनको मार कर क्या लाभ। लेकिन जो आकाशवाणी हुई थी उन्होंने ये नहीं बताया था ना बेटा होगा ना बेटी होगा, उसने इतना बताया था अष्टम गर्भ का जो संतान तेरा काल बनेगा। तब तो उन्होंने बेटा बेटी क्यों नहीं बताया? अगर बेटा बेटी बोल देता तो क्या होता, आकाशवाणी तो बताया था बेटा ये बेटी कैसे हुई, कंस गमन में शंका हो जाता। इसलिए उन्होंने ये नहीं बताया बेटा होगी बेटी होगी, उन्होंने ये बात को नहीं बताया था। इसलिए जब उन्होंने देखा बेटी हुई, बोले कुछ भी क्यों नहीं हो उसको मारना चाहिए। अभी तक थी जोग माया, लेकिन कंस स्पर्श करते ही होगी महामाया। जब उसने पछाड़ने के लिए गया, वो जो देवी कंस को एक ठोकर मारे जैसे बिजली लगती है ना, करंट लगती है, वो मारते ही तो कंस वहीं पर धड़ां कर गिर पड़े और वो आकाश में उड़ गई। अष्ट भुजाओं को धारण करते हुए बोली, रे मूढ़ कंस तू मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। बोले ये तो मेरी कुलदेवी, ये कंकाली उनकी कुलदेवी। बोले तो मेरी कुलदेवी ये तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती है, फिर ये देवता लोग क्या मेरे साथ में धोखेबाजी की, अष्टम गर्भ का संतान मेरे काल बनेगा, ये देवता लोग भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। फिर तो कंस को बड़ा पश्चाताप हुआ, क्योंकि बिना कारण के कारण उनने अपना छे अपना जो भांजा को मार डाला है, इसलिए बड़ा दुखी हुआ। देवकी वसुदेव को माफी मांगे, बोले मेरे को क्या पता था ये देवता लोग भी बेईमानी करने लग गए, झूठ बोलते हैं। लेकिन मन मन में वसुदेव खुश हुए, बोले क्यों खुश हुए, उनको पता है उन्होंने रात में छुपा करके उन्होंने अपना बेटा कृष्ण को गोकुल में रख करके आए, इसलिए अंदर अंदर में प्रसन्न है, लेकिन ऊपर ऊपर से थोड़ी सी दुखी हुए। बोले क्या किया जाए, भाग्य में जो होगा तो वही होता है, हैं क्या किया जाए। कंस को सांत्वना दी, कंस ने अपना अनुजायों को बुलाया, अघासुर बकासुर त्रिणावर्त सकट सकटासुर पुतना सबको उन्होंने बुलाया, मीटिंग किया। बोले बताओ अभी मुझे क्या करनी चाहिए, ऐसे ऐसे स्थिति है। पुतना बीच में खड़ी हो गई, बोले भैया चिंता क्यों करती हो, मेरा नाम ही पुतना। पुतना मतलब क्या, बोले पुतना, पुत मतलब होता है पुत्र, ना मतलब नहीं, जिसका पुत्र है ही नहीं है। बोले मेरा नाम ही पुतना, पर पुत का क्या काम है, पुत्र का क्या काम, मैं अपना मन मर्जी रूप धारण कर सकते, मेरे को आदेश दे, कहीं भी एक महीना को अंदर में बच्चा जन्म लिया तो सब के सब में खत्म कर दूंगा। बोले बहनी जल्दी से जल्दी ये काम को करो, अभी ये पुतना जा करके किसी के घर में भी कोई संतान क्यों नहीं हो, वो अपना मनमर्जी रूप धारण कर सकती थी, सारे बच्चों को मार रही थी, पूरा ब्रजमंड सारा दुनिया में
तहलका मच गया, क्या हो रहा है, किसके घर में कोई बच्चा नहीं जिंदा रहता है, पता नहीं कब वो अंदर में जाती है, कब मार करके चली जाती, पता नहीं चलती है। इतने में पुतना ऐसे करते करते जब उन्होंने गोकुल में आती हैं, जब गोकुल में आई तब श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, बोले कंसना प्रहिता घोरा राक्षसी बालघातिनी। तब वो कह रही हैं, बोले कंसना प्रहिता घोरा, कंस को द्वारा प्रेरित होकर के पुतना किया कि कभी ये गोकुल में पुतना आ गई। तब यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रश्न करते हैं, कहते भैया पुतना का एक नाम होता है जो पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं जो अपवित्र है, कभी ये अपवित्र कहाँ प्रवेश करती हैं। बल न जत्र श्रवणाधीनी रख ज्ञानो स्वकर्मसु, बोले अपवित्र वहीं पर प्रवेश करता है जहाँ पर भगवान का पूजा पाठ नहीं, ठाकुर का कीर्तन नहीं, भजन नहीं, वहीं पर ये पाप प्रवेश करता है। लेकिन यहाँ पर तो भगवान कृष्ण जन्म हुए, स्वयं आनंद कंद भगवान कृष्ण जन्म हुए, फिर यहाँ पर ये अविद्या पाप कैसे, पुतना कैसे प्रवेश कर गई गोकुल में। तब यहाँ पर कहते हैं, बोले ये कृष्ण की इच्छा है, क्योंकि अगर पुतना नहीं होता तो कृष्ण का लीला कैसे होता, कंस नहीं होता तो कृष्ण का लीला कैसे होता, पुतना अगर नहीं आती तो अभी जो पुतना की कथा सुन रही है पर ये कथा कहाँ से सुनते। इसलिए जतो देखो चैतन्य हरि से सब चैतन्य लीला पुष्टिकारी। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जिन जिनियों को भगवान की शत्रु रूप में हम देख रहे हैं वो शत्रु नहीं, एक तरह से भगवान की लीला को मदद करते हैं। जगाई माता है, अगर जगाई माता है नहीं होता महाप्रभु का लीला इतना बड़ा होता, महिमा प्रकाश पाता, रावण नहीं होता राम होते, राम की महिमा प्रकाश हुआ रावण होने से, कृष्ण का महिमा प्रकाश हुआ कंस होने से हैं। इसलिए जो जितने शत्रु है, शत्रु नहीं दूसरे तरह से भगवान की लीला को ये मदद कर रहे हैं। इसलिए जब पुतना उसने आई, क्या बलगो स्मितांग कटाक्ष सही, क्या सुंदरी बन करके आई थी। सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं, ऐसे लग रहा था जैसे कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं कमल बन से निकल करके भगवान को स्वागत करने के लिए आई, इतनी सुंदरी बन करके आई। बोले सुंदरी क्यों बन करके आई, कारण क्या, बोले कारण है किसी घर में आसानी से प्रवेश कर जाएगी, और सारे ब्रजवासी आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, ये कौन है इतने सुंदरी, स्वर्ग से कोई रंभा उर्वशी कोई आ गई, हमने तो कभी ब्रज में इतना सुंदर देखा नहीं, सब आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, क्या उसकी गजगामिनी चाल, क्या उसके तरी से चितवन, उसकी क्या शरीर का ठाट बाड़, क्या कपड़े पहन रखी, क्या अद्भुत सुंदरी। इसलिए सुंदरी बनी हर घर में आसानी से घुस सकती हूँ। और कुछ गोपियाँ जा रही थी कहाँ, बोले नंद भवन में जा रही थी गोपियाँ हैं, इतने में उनको साथ में हिल मिल करके चली गई। जा करके उसने क्या देखा, मैया जसोदा रोहिणी कृष्ण को पलने में झूला रही थी, इतने में पुतना सीधा गई, सीधा कोई बोल चाल नहीं, कृष्ण को सीधा पकड़ ली। बोले मैया मैया इतना सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुलाते, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। लेकिन रोहिणी यशोदा कुछ बोले नहीं, बोले क्यों, बोले बाहर कोई व्यक्ति आएगा बिना बोले तुम्हारी बच्चे को गोद में ले लेगा, आप जब लेने दोगे थोड़ी। फिर ये बोली नहीं क्यों, बोले कारण है वो इतने सुंदरी बन करके आई थी, मैया सोच रही थी लाला जितना सुंदर है ना इनके मैया कोई बनने का लायक तो यही, मतलब इतने सुंदर ही वो बन कर गई थी, कुछ बोल नहीं पाई। और जब उन्होंने कृष्ण को पकड़े और जब उन्होंने गोद में उठाया, स्तन पान करने के लिए स्तन में काल को जहर लेकर गई थी कृष्ण को मार डालेगी, लेकिन जब उन्होंने गोद में उठाया ना, इतने में कृष्ण आंख बंद कर देते हैं। तब हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको पीछे उन्होंने 5 कारण बताए, और श्री बल्लभाचार्य तो 10 कारण बताए, है ना, क्या क्या कारण है बताओ, एक कारण बताओ धर्मस्य, इसमें क्या मतलब है,
जुदा जुदा ही घर में मेरे पास ला कर के काफ़ी पेन ला कर लिखा करो। हम बोले तुम भागवत कथा से क्या सीखोगे, इतना दिन सुन लिया अभी तक तो कोई याद नहीं रहा। अरे अभी ध्यान देकर सुनो, मैं कल पूछूंगा सबको, ठीक है अभी सुन लो। उन्होंने क्यों कृष्ण आँख बंद किए, इसका पीछे हमारे टीकाकारों ने बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने कथा बताई है, कृष्ण आँख क्यों बंद करती है। इसलिए इसका पहला कारण बताते हैं, है कृष्ण देखा ये पूर्व जन्म में इसने क्या इसे पुण्य किया है जो कि ये मेरे को गोद में उठा रही है। बोले क्यों, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मांतर जतन करने पर भी अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आता है, लेकिन इसने इसे क्या पुण्य की पूर्व जन्म में मेरे को साक्षात गोद में उठा रही है। ब्रह्मा भी जैसे व्यक्ति यद्यपि समाधिसु विधिर अपि पश्यति नतव नखाग्र मरीचि, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति ध्यान करते करते भगवान के चरण की नख की जो छटाएं हैं वो छटाओं को भी उन्होंने स्मरण नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसने इसे कौन सा पुण्य की मेरे को गोद में उठा रही। भगवान आंख बंद किया इसलिए क्यों, तो भैया उसका पूर्व जन्म को थोड़ा देखो तो सही, उसने इसे क्या पुण्य की है जो मेरे को गोद में ले रही। बोले हाँ सही है, पूर्व जन्म में पुण्य किया है। बोले क्यों, कहते पूर्व जन्म में ये बलि महाराज का बेटी रत्नमाला बन करके आई थी, हैं इसलिए रत्नमाला बन करके आई थी, इसलिए उसी अवतार में मेरे रूप को देख कर इसकी मन में इच्छा हुई थी, अगर ये मेरे बेटा बन करके आता तो इसको मैं दिन भर गोद में लेकर उसमें प्यार करती। लेकिन जब उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण करके सब कुछ हड़प लिया, बलि महाराज को नाग पास बंधन में बांध दिया, बलि ये तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिता का सर्वस्व भी ले लिया और मेरे पिताजी को नाग पास बंधन में बांध दिया। बोले अगर तुम मेरा बेटा बन करके आओगे ना, हैं तेरे को दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी, तेरे को मैं बीस पिलाऊंगी। उन्होंने देखा वही रत्न वाला भी ये पुतना बन करके आई, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कहते जब ये गोकुल में आती हैं क्यों, बोले बच्चों को मारने के लिए ये आसन आई। इतने में कृष्ण ने कहा भैया गोकुल में बच्चों को मारने के लिए, ये जितने गोकुल में बच्चे हैं मेरे सखा सखियाँ हैं, जितने ग्वाल बाल दाम श्रीताम मधुमंगल अर्जुन स्तो कृष्ण लवंग ये मेरे प्राणा प्यारे सखाएं, और जितने लड़कियां कौन हैं ललिता विशाखा चंपकलता तुंगविद्या चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी ये सब मेरे सखियां हैं, तुम इनको मारना चाहती हो, तेरा मुंह में देखना नहीं चाहता। इसलिए भगवान ने क्या किया, उन्होंने आंख को बंद कर दिया है। कितना कारण हो गया, इसलिए दो कारण हो गया। भले तीसरा कारण क्या है, बोले तीसरा कारण बताए बच्चों का है कि स्वभाव है। बोले क्या स्वभाव है, अगर घर का कोई आप देना घर का कोई सदस्य होता है ना बच्चा, आसानी से जिसको जानता है उसको गोद में चला जाता है, हैं जिसको जानता है बच्चे को बुलाओ, जिसको जानता है आसान, अगर कोई अनजान व्यक्ति आ जाए गोद में जाता नहीं, बच्चा रोता है गोद में उसका जाना नहीं चाहता, ये बच्चों का स्वभाव है। इतने में पुतना ने देखा, ये कृष्ण ने देखा ये दारी के कहाँ से आ गई चंडालिनी, हाँ इसको तो हमने कभी देखा ही नहीं, इसको कभी हाँ इसको हमने कभी देखा ही नहीं, ये कहाँ से आई, नई नई दिख रही है। और है इसलिए उन्होंने क्या किए, आँख को उन्होंने बंद कर दिया। कितना हो गया, तीन। कहते चौथा कारण क्या है, बोले चौथा कारण है भगवान आए जगत में क्यों, कहते परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय सभवामी जुगे जुगे। इसलिए भगवान आए दुष्टों को विनाश और संतों को रक्षा करने के लिए भगवान आए, इसलिए आए तो दुष्टों को विनाश करने के लिए। अभी सबसे पहले जो उन्होंने मारे किसको मारे, पुतना को, सबसे पहले उन्होंने पुतना को मारे हैं। अभी सबसे पहले श्री गणेश करने जा रहे, श्री गणेश मतलब सबसे पहले उन्होंने पुतना को उन्होंने मारेंगे, लेकिन जब पुतना को मारेंगे अभी प्रभु सोच रहे हैं, हे तो प्रभु कठोर है, लेकिन कठोर होने पर भी प्रभु दयालु भी है। बोले क्यों दयालु है,
बोले जब इसको मैं मारूंगा अभी ये छटपट 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 करेगी हैं, लेकिन जब छटपट करेगी, लेकिन करेगी तो छटपट, लेकिन ये रूप क्या धारण करके आई, माँ की है, माँ के रूप धारण करके आई और मेरे को प्यार करके, यद्यपि अंदर में द्वेष भावना है, तब तब भाई मेरे को एक मुहूर्त के लिए उन्होंने बच्चे रूप में देखा, उन्होंने बोले इतने सुंदर बच्चे को पल्ले में क्यों झूला रहे हो, गोद में लेनी चाहिए, इसलिए बच्चे रूप में उन्होंने देखा है कृष्ण को, यद्यपि भगवान निष्ठुर है, भगवान मारने वाले, तभी भगवान दयालु, बोले ये जो छटपट 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 करेगी बड़ी कष्ट होगी, इसलिए मैं ये कष्टों को मैं कैसे देख सकती हूँ, इसलिए भगवान ने किया क्या, आंखों को उन्होंने बंद कर दिया, कितना हो गया, चार हो गया। पंचमा कारण बताए, अभी वो स्तन में कालकूट जहर को लेकर के आए हुए, अभी कृष्णा सोच रहे हैं ये तो मेरे को अभी जहर पिलाएगी, जब जहर पिलाएगी इतने में कृष्णा आंख बंद करके उन्होंने श्री भोले बाबा को याद किया, बोले भोले बाबा को क्यों याद किया, बोले भगवान के गर्भ में ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड विद्यमान हैं, अभी जब भगवान उसकी स्तन पान करने जा रहे थे, लेकिन उसमें तो केवल जहरी जहर है, भगवान के उदर में तो विश्व ब्रह्मांड, सारा विश्व ब्रह्मांड घबरा गए, हे प्रभु आप उसका स्तन को मत पिया करो, केवल जहरी जहर है, लेकिन आपके गर्भ में विश्व ब्रह्मांड विद्यमान, दुनिया तो ध्वंस हो जाएगा अगर आप स्तन पान करोगे, इसलिए प्रभु मत पिया करो। इतने में भगवान श्री भोले बाबा को याद किया, बोले भोले जल्दी जल्दी आओ, बोले क्यों, बोले क्यों किया, तुम्हारा काम विष पीना और मेरा पनत काम दूध पीना है, समुद्र मंथन से विष निकला, कौन भी आता, शंकर पी करके नीलकंठ धारण किए, इसलिए तुम विष विष को पी लो, मैं दूध दूध को पी लूंगा, इसलिए भगवान ने आंख बंद किया। फिर जो बल्लभाचार्य और भी पांच कारण बताया है, उसको फिर दूसरी कथा में सुनेंगे। इसलिए कहते भगवान जब को लिए, जब उन्होंने स्तन पान किया, उनको स्तन किया, उनको प्राण को उन्होंने शोषण की, तो प्राण को शोषण की, इतने में पुतना देखा, अरे ये 6 दिन का बच्चा, ये तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरे प्राण को शोषण कर रहा है, उसको बड़ा कष्ट हुआ, जब कष्ट हुआ उसने उसको छुड़ाने के लिए चाही, कृष्ण ने कहा देखो मैं सहज में किसको पकड़ता है ही नहीं, लेकिन जिसको एक बार मैं पकड़ लेता हूँ ना, छोड़ना तुम्हें कभी सिखाई हैं, तुमने मेरे को गोद में लिया प्यार करके और मेरे को तुमने स्तन पान कराया, इसलिए जब तक मैं तुम्हें अपना गोलोक वृंदावन नहीं पहुंचा देता हूँ तब तक मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, किसी तरह से उसने भगवान को भगवान को किसी तरह से उन्होंने छोड़े नहीं हैं, पुतना को छोड़ी नहीं। अभी पुतना सोच रही है इसको किसी तरह से अगर मैं ले जाऊँ काम मथुरा, भैया कंस कुछ ना कुछ करेगा, और इतने में पुतना असली रूप में आ गई, भयंकर रूप थी, लेकर के कृष्ण का आकाश में उड़ चली और मैया देख करके तो वहीं पर बेहस हो गई, ये कहाँ से आई इतना कैसी, मेरे लाला को कहाँ लेकर के उड़ गई, सारे ब्रजवासी उसको पीछे भगे, चलते चलते कहाँ पर जाकर गिराया, श्री जीव गोस्वामी कहते हैं वहाँ ब्रजवासियों का भी बहुत सारी खेती थी हैं, उनका भी अच्छी अच्छी खेती थी, लेकिन वहाँ कहीं नहीं गिरे, बोले गिरे कहाँ पर, बोले कंस का एक सुंदर बगीचा था जिसमें फल फूल से भरा पड़ा हुआ, सबसे प्यारा बगीचा वो था, सारे फल फूल उसका निर्देश था, कोई ब्रजवासी ये सब साधु संतों को नहीं मिलनी चाहिए, ये सारे चीज़ें मैं और मेरे अनुजाइयों को मिलनी चाहिए। कृष्ण बोले दुष्ट, बोले ईशावास्यम इदम सर्वम जत किंचा जगत है जगत, जगत में जो कुछ हो किसने बनाया, मैंने बनाया, बोले मैं क्यों बनाया, मेरे और मेरे भक्त लोगों को बनाया, और ये सब चीज मेरे को मेरे ब्रजवासियों को नहीं मिले और जितने दुष्टों को मिलेगा, अभी मैं दिखा था, इसलिए उन्होंने पुतना को उड़ा कर वहीं पर ले गई। बोले कितने बड़ी, बोले इतनी गभ्युति, बोले एक गभ्युति हाँ कहीं 6 मील कहीं 8 मील कहते हैं, हैं इतने बड़ी उसने थी, 8 क्षेत्र की बोले त्रिगभ्युत मतलब छत्र की 8 कभी कभी कहती है हैं, अगर 8 की 24 मील ऐसे ही उनको लेकर के धड़ांग करके गिराया तो
जितने उसका पेड़ पौधा फल फूल को खत्म। यहाँ भगवान क्या शिक्षा देते हैं? शिक्षा ये देते हैं, अगर ये सब कुछ चीज मैंने बनाया, अगर मेरे सेवा में नहीं लगेगा ना, फिर तो पुतना उड़ करके आएगी घर, और पुतना क्या करेगी? पुतना सबके सब पुतना नष्ट कर देगी, सबके सब पुतना नष्ट बर्बाद कर देगी है। इसलिए सारे ब्रजवासी भागे, जा करके पुतना मरी पड़ी हुई थी, फिर इतनी बड़ी थी उसकी, हाँ उसको आग कैसे थी, आग बाबर जी सूर्य जैसे, नाभि कैसे के तालाब जैसे, तांत कैसे बड़े बड़े जैसे खंभा गाड़ देते हैं, केस विशाल, भले लाला कहाँ पर है, लाला कहाँ पर है, हैं इतने में सीढ़ी लाए, सीढ़ी ला करके सीढ़ी लगाया, सीढ़ी लगा करके उसको ऊपर चढ़ रहे थे कृष्ण को उतारने के लिए, जो चढ़ रहा था ना डरते हुए, अगर बीच में जग गई तो खा जाएगी सीधा, इसलिए डरते हुए उसको सीढ़ी को ऊपर में ऊपर गए, कृष्ण को वहाँ से उतारे। मैया जसदा जब उन्होंने स्तन पान कराया, कृष्ण स्तन पान करते हुए, कृष्ण जब थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी हंसे, मैया को लेगा लाला मेरे ठीक ठाक है, क्यों कहते ना कोई भूत लग जाता है, बच्चा आदमी रोता है, लेकिन बच्चा जब थोड़ा रो हंस दे खुश हो जाए, कहते लाला ठीक ठाक है, बोले मेरे लाला को कुछ नहीं हुआ, लाला ठीक ठाक है। फिर उन्हें गौमूत्र द्वारा कृष्ण को स्नान कराया, गौमूत्र गोबर से, फिर मैया जसोदा द्वादश अंगेशो, उनको द्वादश अंग में मैया जसोदा तिलक लगाया, इसलिए ये तिलक की बड़े महत्व है। जब मैया जसोदा तिलक लगा रही थी, कृष्ण सोच रहे थे देखो मेरे नाम की कितने महिमा है, ललाट के सब हाँ, उदर नारायण बख्य माधव कंठे गोविंद दक्षिण पार्श्व विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम बामन श्रीधराय हैं, बारह तिलक भगवान सोच रहे देखो मेरी तिलक की कितने महिमा, मैया मेरे को तिलक लगा करके मेरे नाम की मेरे को रक्षा मंत्र पढ़ रही, मतलब राम ना सकई नाम गुण गाई, कहते भगवान भी अपना नाम की महिमा को भगवान भी गा नहीं सकते हैं। इतने में श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर हाँ, बोले भैया इतना बड़ा शरीर को क्या करो, बोले इनमें आग लगा दो हैं, आग लगा दो, तो आग बोले भैया इतना तो लकड़ी चाहिए ना, लेकिन जो पुतना गिरी थी सारे पेड़ पौधा टूट गया था, पहले ही व्यवस्था कर दी थी, बस उसमें जो आग लगाई शरीर से अगूर कर्पूर चंदन की खुशबू आ रही थी। लोग बोले भैया इतने सुंदर खुशबू कहाँ से आ रही है, क्यों? भगवान जिनकी स्तन पान किए वो शरीर पवित्र हो गया। बोले क्या ब्रह्म लोग से ना कुबेर लोग से ना स्वर्ग से ये अगूर चंदन कर्पूर आ रहे, सारे ब्रजवासी वहीं पर इकट्ठे हो गए हैं, सबके सब इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए सबके सब कृष्ण का दर्शन किया, तब विश्वनाथ चकुर ठाकुर यहाँ कहते हैं ये कृष्ण छः दिन में पुतना की उमारे, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, मैं कल पूछूंगा। इसलिए भले कृष्ण छः दिन में पुतना की उमारे, भले इसका कारण बताते हैं, पहले नियम होता था जब बच्चा जन्म होता है ना गांव में, देखना बच्चे अंदर में रहता है कितना, किस कहीं कहीं 21 दिन तक हैं, हमारे देश में तो 21 दिन तक 11 दिन तक एक महीना तक अपवित्र रहता है बच्चों को, घर में कंडा जलाते हैं, कंडे जला करके शरीर को सिकाई करते हैं, वहीं पर अपवित्र रहती है, किसको स्पर्श नहीं करती हैं, हाँ इंतुड़ी हमारे उड़ीसा में इंतुड़ी शाला कहते हैं उनको हैं, इसलिए पहले 21 दिन तक घर को अंदर में रहते थे। लेकिन जब कृष्ण गोकुल में जन्म हुए, ये खबर सारा दुनिया में फैल गया, क्या सुंदर बालक है, भगवान जन्म हुए ना, है तो काले लेकिन दुनिया को आलोक करने वाले, गली गलियों में चर्चा है, क्या सुंदर नंद के लाला भयो है, और यही भविष्य में राजा बनने वाले, सब लोग तरस रहे थे लाला का दर्शन कब मिलेगा, दर्शन कब मिलेगा। लेकिन पहले किया क्या नियम होता था, उसी घर में केवल स्त्रियां ही प्रवेश करती थी, पुरुष लोगों का प्रवेश वर्जित था। अभी ब्रजवासी तरस रहे हैं कृष्ण का दर्शन कैसे मिले, प्रभु का दर्शन कैसे मिले, भगवान भक्त वत्सल है, प्रभु ने देखा भैया मेरे भक्त लोग तो मेरे को दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं, अभी उनका दर्शन कैसे दूँ, इनको दर्शन कैसे दूँ, अभी तो मैं 6 दिन का हूँ, अभी दर्शन कैसे दूँ, बस पुतना को बुलाया और पुतना अंदर में गई, स्त्री तो थी, और कृष्ण को पकड़े और बाहर निकाल दिया। जो बाहर निकाल दिया ना, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, और जो जो सब शरीर में आग लगाया उसका जो धुआं निकली, क्या खुशबू थी,
सारे ब्रजवासी लोग इकट्ठे हो गए, अरे इकट्ठे होकर कृष्ण का दर्शन किया और सब भक्त लोग प्रसन्न हो गए। भगवान भक्तों का दर्शन देख करके खुद भी खुशी हुए और ब्रजवासी लोग भी खुश हो गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं, भक्ति करना चाहिए तो किसको भक्ति करो? बोले भक्ति करना तो केवल जगन्नाथ को भक्ति करो। वो कहते हैं और किसको भक्ति मत करो? बोले क्यों नहीं करनी चाहिए? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले पुतना लोग वाला अग्नि राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासयापी स्तनम तत्वा आप सदगति। यहाँ पर कहते हैं पुतना के अंदर में दुर्गुण दुर्गुण है, वो चार ही दुर्गुण के लिए। बोले पुतना, पुतना मतलब जो पवित्र नहीं अपवित्र। तीसरे नंबर में बाल घातिनी, बच्चों को खून पीती थी। तीसरे नंबर में राक्षसी। चौदह नंबर में भगवान के लिए उसने जहर लेकर के आया, लेकिन भगवान ने ऐसे व्यक्ति को उन्होंने क्या किया, ऐसे व्यक्ति को भगवान ने गोलोक वृंदावन में धाई चित्त गति दे दिया। मैया की अनुगत्य में जो माताएं सेवा करती हैं, ऐसे उचित गति उनको प्रदान किया। हाँ जैसे हाँ धाई जैसे गति प्रदान की। तब यहाँ पर कह रहे हैं जो व्यक्ति इतने अपवित्र दुर्गुण में परिपूर्ण है, अगर भगवान अगर इतने उच्च पद दे सकते हैं, बोले पुतना, पुतना मतलब क्या, जो पवित्र नहीं अपवित्र। अगर कोई पवित्र बन करके थोड़ी सी जाए, स्नान करके अच्छे कपड़े पहन करके ठाकुर का दर्शन कर, पर क्या नहीं देंगे? बोले ठाकुर के लिए क्या लाए थे? बोले जहर। और जहर लाने वाले व्यक्ति को अगर इतने उच्च पद देते हैं, ठाकुर का प्रिय वस्तु जैसे ठाकुर के पास में जाए, कोई एक फल लेकर गए, नहीं तो उनके लिए थोड़ी सी फूल लेकर के, नहीं तो प्यारा चीज़ उनको मक्खन मिश्रित थोड़ा लेकर गए, फिर ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे? तीसरा नंबर राक्षसी। अगर एक राक्षसी को भगवान इतने पद दे सकते हैं, अगर कोई इंसान जाए, नहीं तो उनको कोई प्यारे भक्त जाए, तो फिर भगवान उसको क्या नहीं देंगे? बोले किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णया परमात्मनि। अगर उनको कोई भक्ति पूर्वक कोई भजन करता है, फिर ठाकुर उनको क्या देंगे नहीं? इसलिए सुखदेव गोस्वामी कृष्ण को एक प्रश्न करते हैं, ध्यान दे कृष्ण, उनका प्रश्न है, बोलते बोलते प्रभु लगता है हैं, इसलिए अंधेरी नगरी चौपट राजा टाकासर भाजी और टाकासर खाजा, वो प्रश्न करते हैं। टाका प्रश्न मतलब ये है, बोले प्रभु लगता है आपका जो राज्य है ना अंधेरी नगरी, अंधेरी नगरी चौपट राजा टाकासर भाजी और टाकासर खाजा। तब यहाँ पर एक कथा सुनाए, बोले कोई एक राजा था, राजा वो राजा का राज्य में जो कुछ तुम खरीदी करो, जो कुछ खरीदी करो, एक किलो अगर रसगुल्ला लो एक रुपया, एक किलो अगर घी लो एक रुपया, एक किलो अगर राबड़ी लो पोड़ो पिठा लो वो भी एक रुपया, और एक किलो अगर आलू सब्जी लो ना कोई एक रुपया, एक किलो सोना लो वो भी एक रुपया। एक समय एक गुरु और एक चेला अभी घूमते घूमते उसी राज्य में पहुँचे। चेला ने देखा क्या जो कुछ लो एक किलो रुपया, कहते मेरी साग सब्जी क्यों खाए, रोज घी घी पियो ना, हाँ घी पियो और रोज रोज रसगुल्ला राबड़ी पियो और शरीर को थोड़ी सी अच्छे तरह से बनाओ। बोले गुरुजी बढ़िया जगह पर ले आए, यहाँ से नहीं जानी चाहिए। गुरुजी ने कहा देख बेटा कुछ गड़बड़ी लग रहा है, लगता है यहाँ का राजा ना का दिमाग थोड़ी सी है, थोड़ी सी गड़बड़ी है, नहीं तो जिस देश में हर चीज एक किलो हो वो राज्य कभी टिक नहीं सकते, वो संतुलन नहीं रह सकता है, पैसा की इकोनॉमिका सब नष्ट हो जाएगी, इसलिए चलो यहाँ से भाग जाते हैं। बोले गुरुजी इतने बढ़िया जगह में घूम घाम कर आए, मैं सोच रहा था खा पी कर था शरीर को बनाए। बोले बेटा चलो भागो। बोले गुरुजी मैं नहीं जाता हूँ, आप चले जाओ, मैं कुछ दिन रह करके थोड़ी सी खा पी करके हेल्दी थक हो करके जाऊँगा। बोले बेटा अगर कोई विपत्ति आ जाएगी ना मेरे को याद करना। बोले गुरुजी कोई चिंता मत करो आप जाओ, ये तो रोज़ रोज घी राबड़ी रसमलाई लडीगिन चमचम हाँ मालपुआ चकाचक प्योर घी के चकाचक खा घी के पी करके एकदम मोटे मोटे छोटे हाँ। इतने में एक दिन किया हुआ एक बूढ़ी माता थी, बूढ़ी माता जी घर में चोरी हुई। जब चोरी हुई वो चोर जब चोरी करके जा रहा था ना, इतने में जो बूढ़ी माता जी पीछे से देख लिया था,
वो देखने में कैसे एकदम लंबे चौड़े मोटे थे। अभी उन्होंने सवेरे गए कर राजा को बोले, बोले महाराज कल रात को मेरे घर में चोरी हो गई। बोले तुमने देखे हो? बोले उसका पीछे मैंने देखा था, वो थोड़ा लंबा चौड़ा मोटा सा था। राजा तो थोड़ा पागल था ही है, सिपाही को बुलाया, बोले जाओ देखो मेरे देश में कौन मोटे छोटे लंबे है, जाओ जो मिले ले आओ। उसने गया सब जगह में ढूंढा, इतने घूमते घूमते देखा बस यही देखा, ये तो खा पी करके एकदम लंबा चौड़ा मोटा था। बोले पूरा के पूरा उसको पकड़ करके ले गए। जब ले गए राजा ने बोले कल तुमको सुली में चढ़ा देंगे। बोले क्यों सुली में क्यों चढ़ाएंगे? बोले तुमने चोरी किया। बोले मैंने कब चोरी की? बोले जब चोरी करके तुम जा रहा था ना, वो बूढ़ी माता पीछे से देखा था। बोले मोटे छोटे लंबे और पूरा राज्य में तू भी सबसे मोटे लंबे चौड़े। बोले भैया राजा तो लगता है पागल है, गुरु तो सही कह रहे थे। नियम था जैसे जब उनको फांसी झुलाया जाता है उसको पहले पूछा जाता है, हाँ क्या पूछा जाता है, तुम्हारे मन में कोई इच्छा है अंतिम इच्छा? गुरु जी की बात याद आया, गुरु जी बोले अंतिम समय में अगर कोई गड़बड़ी हो याद करना। तो बोले मैं थोड़ा सी गुरु जी से मिलना चाहता हूँ। बोले गुरु जी कहाँ पर? बोले गुरु जी अमुक स्थान पर है। गुरु जी को बुलाया गया, बोले क्या बात बेटा? बोले गुरु जी सही बता रहे थे। ये लगता है राजा पागल है, पता नहीं किसी बूढ़ी घर में चोरी हुई, पीछे से देख लिया मोटा लंबा चौड़ा, और ये ढूंढते ढूंढते मैं तो मालपुआ रसगुल्ला लेडी ने खा करके शरीर को लंबा चौड़ा मोटा बनाया था, मेरे को पकड़ के ले गया। बोले बेटा तेरे को मैं समझा रहता था। बोले गुरु जी गलती हो गया, और कल भविष्य में ऐसे गलती नहीं करूँगा, मेरे तो एक बार रखा कर दो। बोले ठीक है बेटा एक काम करेंगे, दोनों आपस में लड़ेंगे, मैं बोलूँगा मेरे को सूली पर चढ़ाओ और तुम बोलेगा मेरे को सूली पर चढ़ाओ, दोनों लड़ेंगे, फिर क्या होगा नहीं होगा मैं समाधान कर दूंगा। और राजा को सामने क्या लड़ाई, गुरु जी कहता है बेटा आज मैं फांसी में झूलूंगा। बोले गुरु जी आप क्यों? मैं फांसी में झूलूंगा। बोले नहीं तू नहीं मैं। बोले आप नहीं मैं। राजा बोले भैया ये दोनों मरने के लिए लड़ाई क्यों कर रहे हैं? बोले इधर आओ। गुरु जी को बोले क्या बात है, तुम दोनों फांसी में झूलने के लिए लड़ क्यों रहे हो? बोले मैं आज अभी अभी आते समय मैंने पंचांग देख करके आया महाराज जी, 100 साल के बाद में आज की जो तिथि है ना ये अमृत योग है, आज का दिन जो मरेगा ना सीधा वैकुंठ जाएगा, मैं देख करके अभी अभी आया था, इसलिए इतना दिन को बाद में 100 साल के बाद में अमृत योग अगर सूली में चढ़ूंगा और फांसी में सीधा जाऊंगा वैकुंठ। बोले क्या आज? बोले हाँ अभी अभी ये समय। बोले बाबा 100 साल के बाद में? बोले हाँ। बोले भैया मेरे मैया तो बूढ़ी, कुछ दिन बाद में मैया भी मरने वाली, फिर अपना मैया को अगर मैं फांसी में झूला दूंगा ना सीधा वैकुंठ चली जाएगी। बोले दोनों भागो यहाँ से, जरूरत नहीं तुम दोनों को फांसी में झूलाने का, 100 साल के बाद में अमृत योग, आज मेरी मैया को मैं सूली में चढ़ाऊंगा, मैया को बुला कर जाओ तुम दोनों। गुरु जी बोले बेटा जल्दी भागो यहाँ से। बस गुरु चला तो भाग गए और राजा अपना मैया को सूली में चढ़ा दी। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई, सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, किसको? कृष्ण से। बोले प्रभु लगता है तुम्हारी जो राज्य है ना अंधेरी नगरी चौपट राजा, लगता है तुम्हारी जो राज्य है अंधेरी नगरी है, टाका सरी भाजा और टाका सर खाजा है, हर चीज 1 रुपया, मतलब ये पुतना कहाँ आपको मारने के लिए आई थी, है पुतना मारने के लिए आई थी, इसलिए उसको क्या देनी चाहिए, नरक भेजनी चाहिए, लेकिन आप इसको कहाँ भेज दिया, कहाँ भेज दिया इसको, गोलोक वृंदावन में भेज दिया। अगर पुतना जैसे राक्षसी को अगर आप भेज सकते हो गोलोक वृंदावन, लेकिन आपको जो प्रेम से भजन करेगा तो आपको क्या दोगे बताओ, बताओ भक्तों को क्या दोगे? अगर पुतना को अगर दे सकते हो गोलोक वृंदावन, फिर आप क्या दोगे, किसको क्या दोगे, भक्तों को क्या दोगे? तो भगवान कहते नहीं ऐसे नहीं है, इसलिए जी जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। ये मत सोचो पुतना को मैंने 2.5 पद चित गति दे दिया, भक्तों को क्या दूंगा, भक्तों के लिए तो अलग गति है, इसको तो जो मैं गति दिया ना धात्री चित्त गति दिया, 2.5 माँ की नहीं उसकी जैसे गति दिया,
लेकिन जो भक्त लोगों को जैसे श्रीदाम वसुदा मधुमंगल जिनका मैं झूठा स्वयं खाता हूँ, मेरे को घोड़ा बना देते हैं, मैया मेरे को कान मोल देती हैं, उखल में बांध देती हैं, गोपियों के चरण में ऋणी बन जाती हूँ, उनके चरण में दबाती हूँ, इसलिए भक्तों के लिए तो अलग प्रेम है। इसलिए मेरे राज्य में सब बराबर नहीं, जो जैसे भजन करता है वैसे भजन करता हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण सर्वप्रथम उसने किसको मारे, उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने पुतना को मारे। बोले सर्वप्रथम पुतना को क्यों मारे, क्या कारण है? कहते उन्होंने ये पुतना को क्यों मारे, मार जरूर, इसलिए पुतना को क्यों मारे। यहाँ पर भगवान शिक्षा देते हैं, अगर मेरे को कोई हृदय में बैठना चाहते हैं सबसे पहले क्या करो, पुतना को पहले मारो। हैं, पुतना मतलब जो पूत मतलब पवित्र, और ना मतलब होता ही नहीं जो पवित्र नहीं जो अपवित्र है। जब तक हृदय से ये अपवित्रता खत्म नहीं करेंगे तब तक भगवान हृदय में बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए इन्होंने तो पुतना को मारे, राम किसको मारे, ताड़का को मारे। कहते दोनों प्रभु करके एक ही शिक्षा देते हैं, ताड़का, ये भी तीन अक्षर है, पुतना, ये भी तीन अक्षर है, पुतना जो पवित्र नहीं अपवित्र, ताड़का, ताड़े अतीत ताड़का जो जीव को भगाता है। जीव को कौन भगाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जीव को भगाता रहता है, ये भी स्त्री ये भी स्त्री। इसलिए दोनों प्रभु करकरी एक लीला किए है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हाँ, मैं और एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ, महाराज सुनाएंगे, ठीक है? महाराज जी आप जैसे सब जैसे से छः से सवा सात बजे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण। हाँ, इसलिए इतने में नंदोबा गए होते, कहाँ, मथुरा गए थे, क्योंकि कर देने के लिए। बोले क्यों, बोले देखो कोई शुभ काम होता है ना उसमें बता बड़े विपत्ति है। नंदोबा बड़े दिनों से कंस था बड़ा राजा, ये छोटे राजा है, बड़े दिनों से उनको टैक्स नहीं दिया। इसलिए जब कृष्ण जन्म हो गए पहले सोच रहे थे घर में तो कोई बच्चा है ही नहीं और रुपया पैसा जमा करके किया होगा है, इसलिए कंस को टैक्स नहीं दिए। मरने के बाद तो कोई है ही नहीं, लोग क्यों संसार में आसक्त होते हैं, बेटा है, बेटा का शादी होगी, घर में बहू आएगी, नाती पति होएगा, इसलिए तो बचाते ना कमाते हैं, लेकिन घर में तो कोई बच्चा है ही नहीं, इसलिए नंदबाबा उदासीन थे। लेकिन जब कृष्ण घर में हुए ना, इनके मन में क्या क्या भावना, क्या क्या हिल्लोड़, क्या क्या लहरी चलने लग गई। लाला बड़ा होएगा, बड़ा होने पर शादी आएगी, शादी होगी घर में बहू आएगी, फिर नुपुर बंद करके छम छम करके घर में घूमेगी, फिर नाती पति होएगा, क्या क्या नंद बाबा के मन में। इसलिए बोले भैया पहले ये दुष्ट कंस को मुंह पहले बंद करो। इसलिए उन्होंने टैक्स देने के लिए दूध दही मक्खन लेकर के टैक्स देने के लिए गए। इतने में वसुदेव महाराज पता चला नंद टैक्स देने के लिए आया, और गुप्तचरों से पता लग रहा था कंस का नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, उनको पता चला इसका जो नेक्स्ट प्लानिंग है पुतना को भेज दिया। इतने में नंद बाबा भाई लगते हैं, आपस में भाई लगते हैं, टैक्स देकर जब वसुदेव महाराज से मिलने के लिए गए, नंद वसुदेव महाराज बोले नंद ज़्यादा समय मत रहो, तुम जल्दी जल्दी चले जाओ गोकुल में, कुछ अनहोनी हो सकती है, हैं, कुछ अनहोनी होने वाले, तो जल्द, क्यों, पता चला पुतना बच्चों को मारने के लिए ये गई है। इतने में नंद बाबा, हे नारायण, तुमने मेरे लाला को बूढ़े उम्र में दिए हो, तू ही लाला को रक्षा कर सकते हो, हे नारायण मेरे बालक को तुम रक्षा कर, करते करते आ रहे थे, और वो आते आते उनके सचमुच से देखा आग जल रही है, हैं, बोले ये क्या, जब वहाँ देखा पता चला ये पुतना आई थी बड़ी सुंदर लड़झड़ श्रृंगार करके, लेकिन निकली राक्षसी। नंद भगवान ने बोले भैया ये वसुदेव तो बड़ा बड़े ज्योतिषी है, ये बहुत बड़ा ज्योतिषी, सही निकला हैं, बोले जल्दी जाओ। इतने में नंद बाबा ने बोले मैं था नहीं ना इसलिए ये पुतना घर में घुस गई। बोले खबरदार अरे गरे व्यक्तियों को घर में घुसने मत दिया करो, हैं, कड़ी पहरादार लगा दो। एकदम कड़ी पहरादार लगा दिया अंदर में, जब तक मैं और जसोदा की निर्देश नहीं हो तब तक अंदर में कोई घुस नहीं सकते। इतने में श्री भोले बाबा आ गए,
जब पता चला कृष्ण जन्म हुए, बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए, उनके श्रृंगार किया है शरीर में जटा जोट स्मशान की राख और बिच्छू लटक रहे हैं, इसको सब के सब धारण करते हुए शंकर जी आए। लेकिन शंकर जी कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम, नाम तो सुंदरम लेकिन ऊपर से देखो ना बड़ा असुंदर है। शरीर में क्या मले हुए रहते हैं? राख, स्मशान की राख। बोले क्यों? ये तो अपवित्र। बोले नहीं, इसलिए दुनिया को शिक्षा देते हैं जिस शरीर को हम प्रेम करते हैं, एक दिन इसका परिणाम दो मुठी राख है, हड्डी की गले में माला है, शरीर का परिणाम भी हड्डी है और शरीर में श्रृंगार किया है, कहते श्री सांप है। ये कौन? ये अनंत देव है। अनंत देव कौन है? शंकर जी के गुरु है। शिक्षा देते हैं अगर किसी चीज को श्रृंगार करना चाहते हो, गुरु जी को उपदेश को श्रृंगार बनाओ जिससे संसार से उद्धार हो जाएगी। इसलिए शंकर जी के सर में कौन सा फूल चढ़ता है? धतुरे आकंद, बेली, चमेली, जुई क्यों नहीं धारण करते हैं? बोले मैं भगवान का सेवक हूँ, जितने अच्छे अच्छे फूल मेरे प्रभु राम कृष्ण सेवा में लगे, मैं तो उनका सेवक हूँ, जंगल में अपने आप जो हो जाएगा मैं धारण करूँगा। इसलिए शंकर जी चंदन क्यों नहीं लगाते? बोले नहीं, ये चंदन तो कृष्ण राम सेवा के लिए, अगर मैं चंदन लगाऊंगा तो मेरे भक्त जितने सब अघोरी होंगे वो सब चीज़ ला कर मेरे सेवा में लगाएंगे, ठाकुर को सेवा में कमी नहीं हो जाए। इसलिए शंकर जी अपने आप को छुपाने के लिए बड़े कष्ट किया लेकिन छुपा नहीं सके। बोले क्यों नहीं छुपा सके? बोले शंकर जी को पास में सबसे पवित्र वस्तु कहते हैं कि जटा में पतित पावन श्री गंगा देवी। इसलिए शंकर जी अलख निरंजन करते हुए आ गए और वहाँ पर एक वहाँ पर दासी को देखे। दासी ने दासी को बोले मैंने सुना नंदक घर में एक लाला भयो है। बोले लाला भयो तो तेरे कहाँ भयो है? बोले थोड़ी सी लाला को दर्शन करा दे। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतन आ गई थी, वो तो बड़ी सुंदर सज्जत सज्ज करके आई थी, लेकिन तू तो देख करके यही सही लग रहे हो मेरे, हाँ मेरे जी घबराने लग गए तेरे को देख करके। तेरे को देख करके लाला डर जाएगा, रोएगा, सोएगा नहीं। इतने में उसने मैया जसोदा को बुलाई। मैया तो आकर के बोले बाबा कहाँ बात है? बोले मैं बड़े देर दूर से आया हूँ थोड़ा लाला को दर्शन करने के लिए, लाला को थोड़ा दर्शन करा दो। बोले बाबा लाला का दर्शन नहीं होगा, जो सोना चांदी जो भिक्षा मांगना चाहते हो ले, अपना रास्ता देखो, कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी। बोले मैं यहाँ से हटने वाला नहीं, दर्शन कराओ नहीं तो हटने वाला नहीं, मैं तो त्रिशूल गाड़ कर यहीं बैठ जाऊँगा। बोले बाबा मेरे चार दरवाजा हैं, इधर नहीं निकालूंगी तो दूसरे रास्ता पर निकाल दूंगी पीछे। बोले मैं चार ही स्वरूप में बैठ जाऊँगा। बोले मेरे ग्यारह रुद्र हूँ, ग्यारह रुद्र है एकादश रुद्र। बोले मैं ग्यारह रूप धारण करते हुए मेरे ग्यारह रूप भी है, ग्यारह दरवाजे में बैठ जाऊंगा, बड़ा होगा तो फिर निकालोगे तो कभी कृष्ण निकलेगा कि नहीं तब भी मैं दर्शन करूंगा। आज शंकर जी वहीं पर धून जमाते हुए त्रिशूल गाड़ करके बस वहीं पर बैठ गए। जब बैठ गए इतने में मैया कृष्ण को घर की कोड़े में छुपा दी। शंकर वहीं बैठ करके प्रभु को याद किए। बोले हे प्रभु आपका सारे लीला हमने देखा है लेकिन आप भगवान हो करके जब आप रोते हो मैया तभी दूध पिलाती हैं, भूख लगे तो आप रोते हो, चल नहीं पाते हो मैया आपको अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके चलाना चलाती हैं, हे प्रभु आपका ये लीला मैंने नहीं देखा, एक बार मेरे को दर्शन दे दो। शंकर तो वैष्णव हैं इसलिए इतने में कृष्ण दर्शन देने के लिए रोने लग गए। मैया जितने थपथप लगाए कृष्ण उतना जोर से रोए, पूरा परिवार दंग रह गए, लाला की रोना बंद नहीं हो रहा है। किसने कहा? गोपी ने। बोले देखो मैया वो जो बाबा आया है ना वहीं पर बैठा हुआ आँख बंद करके त्रिशूल गाड़ करके, वो आँख बंद करके लगता है कोई जादू टोना तेरे लाला को ऊपर कर रहा है और घुर घुर करके देख रहा था हैं। इसलिए कहता है लाला का दर्शन नहीं कहा तो जाऊँगा नहीं यहाँ से, लाला का दर्शन करा दो। मैया काले कपड़े से ओढ़ करके और मोटी मोटी काजल लगा दी, यहाँ पर काजल का बूंद लगा दी, बड़े कष्ट से लेकर के आई। बोले बाबा ले देख ले हैं, बस एक झलक जब दर्शन कराया कृष्ण तो रो रहे थे, कृष्ण खिलखिला करके हाहा करके हंसने लगे हैं। इतने में शंकर जी हंस रहे थे, शंकर जी रोने लग गए। मैया बोली ये कुछ जानता है क्योंकि लाला को रोना ले लिया अपना हंसना दे दिया,
मतलब कुछ जानता है। अभी तक तो लाला की रोना बंद नहीं हो रहा था, इतने में मैया ने बोले बाबा तेरे कोई जादू टोना आता कि ना? बोले और क्या जादू टोना जानता हूँ, बोले मेरे लाला के ऊपर में बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, कोई उपाय है? बोले क्यों नहीं, बोले बताओ क्या करनी चाहिए? बोले एक काम करियो, जब लाला को तुम स्नान कराओगे ना, वो जो स्नान का पानी में यही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे सर पर डाल देना, क्यों चरणा मृत है, हैं ठाकुर का शंकर जी गंगा में, गंगा है सबसे पवित्र वस्तु, जो कांवरिया लोग कितने दूर से गंगा पानी लेकर जाते हैं। बोले क्यों? भगवान का चरणा मृत शंकर के सबसे प्यारे हैं, इसलिए अभी भी वहां पर भगवान के चरणामृत वहां पर आशीश्वर महादेव आकर उनका सर पर डालते हैं चरणामृत का। बोले और कुछ करना पड़ेगा? बोले एक काम करोगे तो कभी नजर नहीं लगेगा। बोले बता दे, बोले लाला का जो भजन कराओगे प्लेट में जो बच जाएगी उसको ला करके मेरे को दे देना। अभी भी वो लीला हो रही है, भगवान का सबसे पहला प्रसाद सीधा शंकर जी के पास में आएगा। जैसे जगन्नाथपुरी में माँ वैष्णवी है देवी वैष्णवी विमला देवी, जगन्नाथ जी का प्रसाद माँ देवी वैष्णवी पाती हैं, फिर महा महा प्रसाद होता है, वहाँ पर भी सबसे पहले कृष्ण को भोग लगेगा, वो सीधा प्रसाद श्री आशीश्वर महादेव के पास में आता है, इसलिए वहाँ पर भी महा महा प्रसाद हो जाता है जब कोई वैष्णव उसको ग्रहण करता है। अभी भी वो लीला वहाँ पर चल रही है। ऐसे ही कृष्ण बचपन में बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी मीठी मीठी ठाकुर जी लीला करते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, बोले श्री भोले बाबा की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। दामदलीला कही थी गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां चरणांतिकम्। भक्त्या जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामदितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 परमाराध्यतम निरुपाधिक करुणाबारिद गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री सुमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुभव गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषत सड गोस्वामी पाद रसिक आचार्य वज्र महामोपाध्यास विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम अर्पण की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के चरण कमल दंडवत प्रणाम अर्पण की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद भक्त वृंद सबके चरण में दूंगा यथाजथ प्रणाम स्वीकार। भगवान आज श्रीमद् भागवत कथा की पांचवा दिन है। भगवान कृष्ण की बाल्य लीला की कथा महाराज जी बड़ी सुंदर रूप से आप लोग को बता रहे थे कि भगवान कृष्ण यद्यपि सबको प्रेम करते हैं और सब कृष्ण को प्रेम करते हैं, ऐसा कि वैकुंठ के पार्षद और राम अवतार में अयोध्या और लंका आदि, लेकिन मथुरा के पार्षद द्वारिकावासी ब्रजवासी सब प्रेम करते हैं और कृष्ण भी सबको प्रेम करते हैं, लेकिन ब्रजवासी प्रेम में ब्रजवासियों की प्रेम में कृष्ण जिस प्रकार वशीभूत है उसी प्रकार द्वारिकावासियों की प्रेम में कृष्ण वशीभूत नहीं है। प्रीति करते लेकिन वशीभूत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कृष्ण की ब्रज में यद्यपि ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है ही, लेकिन माधुर्य भाव उनको ढक देता है, तो इसलिए कृष्ण की सारी लीला यहाँ पर मधुरी मधुर होता है, सुंदरी सुंदर होता है, मनोहर ही होता है। तो ब्रज में कृष्ण की एक एक लीला बड़ी मधुर है, जैसा अभी महाराज बता रहे थे शंकर जी दर्शन करने के लिए आए, कृष्ण ने उनको बड़ी सुंदर रूप से उनके साथ लीला किए, उसके बाद बहुत सारी तृणावर्तक भगवान ने बद्ध किए उद्धार किए, शकटासुर को उद्धार किए, उसके बाद चोरी करना शुरू किए, किनका घर में जाकर के बछड़ा खोल देते थे, गाय को दोहन करने के लिए जो बछड़ा का बंधा होता था बांध देते थे, और किसका घर में जाकर के माखन चोरी करते थे, किसका घर में क्या, तो सब लोग आके कंप्लेन करते थे, अभी जो शिकायत करते थे कि आज कन्या हमारे घर में इस प्रकार किया जसोदा माँ को, तो गुरुदेव कहते थे ये लोग अपना लीला को सबका लीला कृष्ण की लीला को तो खुद आस्वादन करते थे और कृष्ण जो लीला करते हैं जसोदा माँ के घर में उसको तो आस्वादन करते हैं, लेकिन दूसरे के घर में जो लीला करते हैं उसी लीला को कृष्ण आस्वादन कर नहीं पाते, तो वही लीला को आस्वादन कराने के लिए ही जसोदा माँ को सुनाने के लिए आस्वादन कराने के लिए ही सारी ब्रजवासी उनके घर में आते थे। तो कुछ दिन बाद जसोदा माँ ने सोचने लगी कि ये बाहर जाती है इसलिए इतना सारे शिकायत आती है, अगर उनको अपना घर में ही रख दिया जाए तो बाहर नहीं जाएगा तो शिकायत नहीं आएगा, इसलिए दाऊ भैया और सब लोग को बोले जसोदा माँ ने देखो
ये उनको लेकर हमारे आंगन में ही खेलना, बाहर को नहीं लेकर जाना उनको। तब फिर सारी सखाओं के साथ कृष्ण खेलने लगे, लेकिन खेलते खेलते क्या खेलेंगे, तो बालू में घर बनाना खेलने लगे। तो खेलने लगे ब्रह्मांड घाट में जमुना के किनारे, अपना आंगन ही था जसोदा नंद बाबा की, तो खेल रहे थे तो घर बनाने लगे। सब लोग बालू में घर बनाए और सब तो अच्छा अच्छा घर बनाए, लेकिन श्री दामा ने बड़ी सुंदर घर बनाया, दुकान मकान सब बनाया, लेकिन बालू में कृष्ण ने बनाए तो बने ही नहीं घर। अखिल ब्रह्मांड की, संसार को एक मिनट में सृष्टि और प्रलय करने वाले भगवान कृष्ण ने बालू का घर बना नहीं पाए। और यशोदा माँ ने फिर बताया कि श्री राम ने देखा, सब लोगों देखा कि कृष्ण बालू घर बना नहीं पाते हैं, और खुद आके देखा तो श्री राम बड़ी सुंदर घर बनाया। तो कन्या कहते, देखो श्री राम हमको थोड़ा सिखा दो, हम बालू का घर बना नहीं पाते, थोड़ा सिखा दो। बोले बहुत भला, हम कहते हो कि हमको बहुत कुछ आता है लेकिन कर नहीं पाते हो, हम क्यों सिखाने के लिए जाए। तब तो श्री राम सिखाया नहीं, फिर घर बनाए, कन्या फिर चले गए घर बनाने के लिए, फिर बनाए, फिर टूट जाए। तब तो श्री राम फिर बनाए, बहुत अच्छा बनाया, रहा करके देखा, फिर बोलने लगे कि श्री राम हमको थोड़ा सिखा दो ना। वो सिखाए नहीं तो आ करके सीधा वो बालू का घर श्री राम ने बनाया था तो तोड़ दिए, तो चल दिए। तो श्री राम गुस्सा किए, सब सखा लोग ने गुस्सा किए, और कृष्ण को बोले कि खुद बना नहीं पाते हो, दूसरे ने बनाया, तुम तोड़ते हो, तोड़ देते हो। तो फिर श्री राम को उन्होंने कृष्ण को अलग कर दिए, बोले देखो आप अलग रहो, आपके साथ हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। कन्या फिर सब लोग अलग हो कर दिए, अलग से कुछ खेलने लगे, कन्या अलग रह गए, अलग गुस्सा से आ गए। फिर कृष्ण ने दूसरा एक मधुर लीला प्रकट किए जिनका नाम है मृदु भक्षण लीला। कृष्ण ने मिट्टी खाना शुरू किए, यशोदा माँ ने मना किए थे, देखो ठीक से नज़र रखना। और कुछ देर के बाद आए तो देखा कि कृष्ण मिट्टी खा रहे, सखा लोग सब सखा लोग बोले कन्या मिट्टी खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? नहीं नहीं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, खाने लगे। फिर दाऊ भाई को बुलाए, दाऊ भाई बोले कन्या मिट्टी खा रहे हो, मत खाओ, बीमारी हो गए, बात नहीं माने। तो सब लोग जा करके यशोदा माँ को बोले, और जो यशोदा माँ को बोले, यशोदा माँ तो फिर लौट करके आए, और आ करके फिर उनको दौड़ करके आए और हाथ को पकड़ लिए, क्योंकि हाथ ही गलती किया था, मिट्टी खाने में हाथ ही मदद किया था, हाथ को पकड़ लिए। हाथ को पकड़े और पकड़ करके बोले कन्या मिट्टी खाया? कन्या ने बताया कि माँ नाम भक्तितवान अम्ब सर्वे मिथ्या भिषंसिण, कि हे माँ मैंने मिट्टी नहीं खाया, ये सब मिथ्या कहते हैं। तो बोले बदंती तावका हे ते, ये सब तुम्हारे है, हमारे कोई संबंध नहीं है, ये तो तुम्हारे सब है। तो जब माँ कन्या ने बताया कि देखो माँ ये सब मेरे दिखाई देते हैं लेकिन मेरा कोई नहीं है, आप ही एकमात्र मेरे हो, ये मेरे नहीं है, किसके नहीं है। तो फिर ये बोले तुम खाया नहीं, ये झूठ बोले ना? हाँ ये झूठ बोले। दाऊ भैया बोले माँ दाऊ भैया की बात पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि दाऊ भैया का बाहर काला सफ़ेद है और लेकिन अंदर काला है। मेरा माँ बाहर काला देखने के लिए, लेकिन अंदर तो मैं पूरा साफ हूँ, जो बोलता हूँ सच ही बोलता हूँ। तो माँ ने बताया कि हाँ मैं जानता हूँ तुम कितना सच बोलते हो। तब इसका मतलब क्या है? कृष्ण कहते हैं दाऊ भैया बाहर से गोरे है लेकिन अंदर काले, मतलब उन्होंने अंदर में मुझे पकड़ के रखा है, मुझे धारण किया है और मुझे स्मरण करते हैं। और मैं भी ऐसा हूँ कि मैं तो बाहर को काला हूँ लेकिन अंदर में दाऊ भैया को स्मरण करता हूँ। तो यशोदा माँ ने बताया तुम मिट्टी क्यों खाया? मिट्टी खाया नहीं ना माँ, नहीं ये सब कहते ना माँ, अगर आप इसलिए क्यों मिट्टी खाए कृष्ण ने, और बलदेव प्रभु ने क्यों बताया, इसलिए बताया जा करके क्योंकि बलदेव प्रभु है शेषनाग। वो बोले कि ये कृष्ण आए भार हरण करने के लिए,
और जब वहाँ थे आए भार हरण करने के लिए और थोड़ा से दो चार मिट्टी ऐसा खा करके 100-200 ग्राम का क्या भार हरण होगा, पूरा पूरा जिस प्रकार भार होना चाहिए इस प्रकार होना चाहिए, मिट्टी खा के भार हरण होना चाहिए, तब तो मैं कंप्लेन करता हूँ, शिकायत करने लगे। और दूसरा जो सखा लोग सब कंप्लेन किए, शिकायत किए यशोदा माँ को कि कृष्ण ने इसलिए किए कि माँ को बताए कि माँ देखो मैं अगर मैं आपका घर से जाकर आप एक बात सोचो, मैं हमारे अपना आंगन का मिट्टी खाया उन लोगों का सहन नहीं होता है तो वो लोग कितना सहज है आप सोच लो, उनका घर से मैं जाके माखन खाऊंगा वो लोग का सहन होगा, मैं मिट्टी खा रहा हूँ वो भी अपना आंगन का उन लोग का सहन नहीं होता और जाके उनके घर से माखन खाऊंगा उन लोग का सहन हो जाएगा। माँ हर दिन हर समय इसलिए वो लोग झूठ ही झूठ बोलते हैं। यशोदा माँ ने फिर हाथ को पकड़ लिया, बोली तुम मिट्टी नहीं खाया, मिट्टी खाया तो मुंह दिखाओ। तो भगवान ने मुंह दिखाया लेकिन इसमें काफ़ी कारण बताते भगवान ने क्यों मिट्टी खाया। इसलिए भगवान ने मिट्टी खाया, कहते कि देखो यशोदा ये पृथ्वी का एक नाम है रसा, जो रस युक्त है इसलिए रस रसातल कहते हैं, पृथ्वी के तल लोगों को रसातल कहते हैं। तो ये कृष्ण रसातल से रसा को थोड़ा लिए इसलिए ग्रहण किए क्योंकि कृष्ण ने सोचने लगा कि मैं आगे जाके रास नृत्य करूँगा तो अभी ये रसा का रस थोड़ा आस्वादन नहीं करूँ तो रास नृत्य कैसे करूँगा। और दूसरा बात बोले कि ब्रह्मा जी ने वो पृथ्वी का मिट्टी खाया था, मिट्टी के लिए ये ब्रज धूलियों के लिए प्रार्थना किया था, षष्ठी वर्ष सहस्राणी मया तप्तम तपह पुरा नंद गोप ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु उपलब्ध है तथापि न मया प्राप्ता स्तासंग वही पादरेण वह। ब्रह्मा जी ने तपस्या किए थे 60,000 साल कि ब्रज की धूलि प्राप्ति करने के लिए, लेकिन ब्रज की धूलि प्राप्ति करने में मुश्किल हुआ, प्राप्त कर नहीं पाए, फिर भी तपस्या करने के बाद में भी धूलि प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए कृष्ण सोच रहे कि मैं तो इतना जो धूलि का महत्व है और मैं थोड़ा देख लूँ कि धूलि में क्या है तो मैं थोड़ा टेस्ट कर लूँ। और दूसरा और एक कारण बताते कृष्ण ने अनुब्रजा मेहंग नित्यंग पुयत अंघ्री रेणु भी बसंत भेजे सर जी कि पुयत अंघ्री रेणु भी कृष्ण ब्रज धूलि में बाहर को तो धूलि आने के बाद बाहर पवित्र हो जाता है, ब्रज की गोपियों का धूलि गिरने के बाद कृष्ण ने सोचा कि जो ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड हमारे अंदर है ये सब धूलि की लालायत तो अंदर कैसे पवित्र होगा, इसलिए अंदर डाल रहे हैं। और एक कारण कहते हैं कि देखो आयुर्वेदिक के अनुसार पुतना की जब विष पान जहर पान किया तो धूलि मिट्टी जहर को काटता है, तो इसलिए भगवान ने मिट्टी खा करके बड़े अद्भुत रूप में ये जहर को काटने के लिए मिट्टी खा ली है। उद्धव भी जा करके धूलि की महिमा बताए, आशा मोह चरण रेणु जुषा महत्स्यम, ब्रज गोपियों का धूलि पाने के लिए धूलि प्राप्त करने के लिए अपना गुणम जन्म प्राप्त करने के लिए चाहते थे तो इसलिए उन्होंने कृष्ण ने मिट्टी खाया। और खाने के बाद भी उन्होंने जो यशोदा माने वाला धूल की मिट्टी मुँह दिखाओ तो उन्होंने मिट्टी दिखा मुँह दिखाया जो कि मुँह में सारे ब्रह्मांड देखने लगे, दिखाई दिया सारे ब्रह्मांड क्या मतलब है। लेकिन यशोदा माने ऐश्वर्य शक्ति प्रकाशित तो हो गए कि सारे ब्रह्मांड जिनका चरण में गिरते हैं आज यशोदा माने उनको फटका रहे हैं, तो ऐश्वर्य शक्ति सोच रहे थे कभी अगर सुजोग मिला तो माँ को दिखाऊंगा मैं कि कौन हूँ। ऐश्वर्य शक्ति तो अपना काम किया लेकिन भगवान को फिर रोना पड़ा क्योंकि यशोदा माँ ने सोचने लगी शायद भूत लग गया ना क्या लग गया,
झाड़ने लगे, गोबर का पानी पिलाए, गोमूत्र पिला, गोमूत्र में स्नान कराए, और वही है ब्रजवासी और द्वारिकावासी में अंतर है। अर्जुन ने विश्वरूप दर्शन किया और यशोदा माँ ने दर्शन किया, लेकिन अर्जुन ने जो दर्शन किया विश्वरूप, उसमें अर्जुन को ददामि दिव्यम चक्षुम थे, भगवान को दिव्य चक्षु प्रदान करना पड़ा, लेकिन यशोदा माँ को दिव्य चक्षु देना नहीं पड़ा, वो देख लिए। और विश्वरूप ने, अर्जुन ने इच्छा के विश्वरूप दर्शन करने के बाद, लेकिन यहाँ पर यशोदा माँ ने कोई इच्छा नहीं किया था, सहज उपलब्ध है। और अर्जुन ने विश्वरूप देखने के बाद अपना जो सख्य भाव है वो दूर हो गया, ऐश्वर्य भाव प्रकट हो गया। सखेति मत्वा प्रसभम जदुक्तम हे कृष्ण हे जादव हे सखेति बताया, लेकिन यशोदा माँ के अंदर में वात्सल्य भाव दूर नहीं हुआ, उल्टा गाढ़ हो गया। तो इसलिए ऐश्वर्य शिथिल प्रेम ना ही मोर प्रीति, जहाँ ऐश्वर्य भाव है कृष्ण उनका प्रीति नहीं बढ़ता, आस्वादन कर नहीं पाते, इसलिए वो ब्रज भाव है। इस प्रकार मृदुभक्षण लीला है, भगवान बड़ी सुंदर मृदुभक्षण लीला की, उसके बाद दामबंधन लीला आदि है। महाराज राधारानी की जन्म तिथि के बारे में थोड़ा बताएंगे, उसके बाद में आरती होगा, फिर कथा समाप्त होगी। हरे कृष्ण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। राधा रानी की जय, बोले श्री वृषभान राज नंदन की जय, जय श्री राधे निताई गौर ब्रह्मानंदे हरे हरे। हाँ, आज हम लोग राधा रानी की जन्म की कथा हम सुनेंगे। हाँ, इसलिए जो लोग साधारण लोग है, जैसे वृंदावन में जाओ देखना, सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, कोई वृंदावन में कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राधे राधे। अरे जोर से बोला, राधे राधे। पीछे लोग चुपचाप, क्या चक्कर है? बोला राधे राधे राधे। इसलिए वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं, इसलिए लोग कहते हैं तुम इतने राधे राधे बोलते हो, हरे कृष्ण बोलते हो, भागवत में राधा जी का नाम कहाँ है? अब अगर पढ़ो, डायरेक्ट पढ़ो ना, कहीं भी राधा जी का नाम कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा है। लेकिन हमारे जो गौड़ीय वैष्णव टीकाकार लोग है ना, वो कहते हैं भागवत में राधा जी को सिवाय, राधा रानी को छोड़कर और कुछ है ही नहीं, भागवत में तो राधा ही राधा है। इसलिए ग्रंथ का नाम ही श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् मतलब क्या? श्री मतलब होता है श्रीमती राधा, मद मतलब होता है प्रेम। अतः ये भागवत नहीं, ये क्या है? ये राधा रानी की ये प्रेम है, ये श्रीमद् भागवत। इसलिए भागवत का जो पहला जो श्लोक है क्या है? बोले जन्मादस्यत सत्यम परम धीमहि, परम सत्य जो पराशक्ति राधा रानी, उनको हम प्रणाम करते। वो कौन है? जन्मादस्यत, जिनसे आदि रस की प्रकट हुई। इसलिए पहला श्लोक में ही राधा जी की वंदना है, हैं? और हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे, गोपियां क्या कर रही हैं? जयति ते दितम जन्म न ब्रज श्रयत इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी। बोले जब से कृष्ण ब्रज में जन्म हुए, वृंदावन तो राधा रानी की ये क्रीड़ा भूमि बन गई राधा जी की, है। इसलिए भागवत में कहते इतने राधा जी का नाम, श्री जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राधा राधा जी की महिमा गाई। जब रास कृष्ण छोड़ करके चले गए, गोपियां जब ढूंढ रही थी कृष्ण की दो चरणों के बीच में जो छोटी सी की प्यारी चरण है, वो क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? यहाँ पर से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ये जो श्लोक है, जैसे दोनों पक्षे में जैसे लड़ाई हो, जो पक्षे जीत जाता है ना, वो क्या करता है? संख बजाता है, संख बजाता है। कहते ये जो श्लोक है अन्याराधी तो नूनम भगवान हरीश्वर, कहते यद्यपि यहाँ पर सबके सब गोपियां तो थी, सपक्य विकप्य तटस्थ सुहृद प्रक्य है, सबके सब गोपी थी, लेकिन कृष्ण लेकर गए थे, किसको लेकर गए? इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते देखो हमारी श्री किशोरी जी को लेकर गए हैं। देखो कृष्ण के दोनों का चरणों के बीच में जो चिन्ह है, श्री किशोरी जी की चरण चिन्ह है, वहां पर तीन तरह का गोपियां थी, सपक्य विपक्य तटस्थ,
जो सपक्ष गोपियां हैं राधा जी की पक्ष ये राधा जी की चरण की सेवा करती हैं, इसलिए वो चरण के चिन्ह जानते हैं, राधा जी के चरण में चिन्ह किया, वो चिन्ह को देख करके बोले देखो हैं, भले ही तुम लोग अभिमान करते रहो लेकिन श्याम सुंदर केवल हमारे श्री राधा जी को लेकर गए। इसलिए कहते ये श्लोक है अनाउंस में डिक्लार करते हैं सब गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी की। जोर से बोलो बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए भागवत में राधा का सिवाय कुछ नहीं है ही नहीं, इसलिए विभिन्न पुराण में राधा जी की बड़ी महिमा है। वृषभानु महाराज घर में एक बेटा था श्रीधाम भैया, लेकिन घर में बेटी नहीं, घर में जब कोई बेटी आती है ना दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई, लेकिन बेटा जन्म ले तो कोई नहीं बोलता नारायण आया है, लेकिन बेटी आए तो क्या बोलते घर में लक्ष्मी, इसलिए बेटी को लक्ष्मी रूपा दान लक्ष्मी रूपा रूप में उनको दान देती है, इसलिए लड़की का दान सर्वश्रेष्ठ दान। इसलिए वृषभानु महाराज सोच रहे हैं घर में के लड़की होनी चाहिए, रोज रोज ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने जाते थे, एक दिन स्नान करने के लिए गए तो देखा एक सतदल कमल पुष्पों के ऊपर में बड़ी सुंदरी एक बालिका किलकारी मारते हुई बहते बहते आ रही है। इतने में वृषभानु महाराज जब उतरे वो पुष्प स्वयं बहते बहते इनको पास में आए और वृषभानु महाराज वहीं से श्री राधा रानी को उठा लिया, बोले श्रीमती राधा रानी की। और उन्होंने ला करके कृतिका सुंदर के दिया है। श्री रूप गोस्वामी बड़ा सुंदर इनका वर्णन किया, कभी समय आएगा तो हम सुनेंगे। इसलिए कैसे कैसे बहते बहते क्यों कहाँ से आई है राधा रानी, फिर इनका ही बेटी किसी कारण से ये चली गई थी दूसरे जगह पर, फिर सिर्फ कृतिका सुंदरी के पास में आ गई, क्यों राधा जी नित्य ही ये कृतिका की ही बेटी है। इसलिए वृषभानु महाराज इसलिए वृषभानु दधी नव शशि लेके हैं, इसलिए अभी बड़े लाड प्यार से बेटी को लालन पालन कर रही थी। नारद जी ने देखा कृष्ण तो गोकुल में जन्म हुए लेकिन वो कभी अकेले नहीं आते, वो जरूर अपना शक्ति पराशक्ति श्री राधा जी को साथ में आती है, लेकिन राधा रानी है कहाँ पर। अभी नारद जी ब्रज ब्रज में घर घर में गली गलियों में ढूंढ रहे हैं, सब घर में पूछ रहे हैं, जिसके घर में कोई बेटा बेटी हो दिखाते हैं, लेकिन ऐसे घूमते घामते जब श्री वृषभानु महाराज जी घर में आए तो पूछा आपका घर में कोई संतान भई है, तो उन्होंने श्रीधाम भैया को दिखाई, बोले कोई बेटी हुई कि नहीं, चुप हो गई, क्योंकि बेटी को तो उन्होंने यमुना से प्राप्त की, बोले बोलो ना, बोले हाँ एक भी बेटी, बोले लाओ। जब उन्होंने लाए और नारद जी देख करके तो पहचान गए, बोले यही तो भगवान की स्वरूप शक्ति पराशक्ति लादिनी शक्ति यही, मैं तो इनको ही गली गली में ढूंढ रहा था। अभी नारद जी थोड़ी स्तुति करना चाहते ही बोले उन्होंने बहाना बनाए, थोड़ा स्वस्ति वाचन करके आशीर्वाद दे दूंगा, जाओ अंदर से कुछ वस्तु ले आओ। जब अंदर में गए इतने में राधा रानी किशोरी बन गई, ललिता विशाखा प्रकट हो गई। ललिता बोली बाबा देख रहे हो क्या राधा जी, अभी अभी अंतर ध्यान हो जाएगी, जल्दी जल्दी स्तुति करो। तब श्री नारद जी बोले मुनिन्द्र बिंद बंदित त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त पंकज निकुंज भूमि नाथिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोन चंद के सदा करी सती रमा कृपा कटाक्ष धारिणी। बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति की राधा रानी, बोली पुनः तुम्हें गिरिराज तलहट में मैं दर्शन दूंगी। इतने में राधा रानी फिर छोटी सी बालिका हो गई। इतने में वृषभानु महाराज प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के पूरा ब्रजवासियों को नौता दे दिया, सारे ब्रजवासी आए। उन्होंने श्री नंद बाबा को भी मैया जसोमती को भी उन्होंने निमंत्रण दिया। मैया जब आई उसने कृष्ण को लेकर के आई, राधा रानी जन्म से आंख बंद करके रखी, बोले सर्वप्रथम मैं श्याम सुंदर मेरे प्यारे प्रियतम को मैं दर्शन करके दुनिया को दर्शन करूंगी। फिर उन्होंने उसको ला कर मांग ले, इसलिए उनको ला करके उन्होंने कृष्ण के जिस पल्ले में सो रहे थे वही पर जब राधा कृष्ण को सुला दी, कृष्ण अपना हाथ राधा जी के ऊपर रख दिया और कृष्ण का स्पर्श पा करके राधा जी के हृदय तो खिल उठी, प्रसन्न हो गई। फिर राधा रानी फिर अपना आँख खोल करके अपना सामने श्याम सुंदर को देखे,
वृषभानंद महाराज तो प्रसन्न थे लेकिन बेटी की आंख खोलते हुए देखकर खुश हो गए। जितने उत्सव कर रहे थे बड़े धूमधाम से श्री राधा रानी को उन्होंने उत्सव की। प्रभु जी एक राधा जी बधाई डालेंगे उसके बाद आरती होगी। ठीक है गाओ। राधा रानी को हमारे श्यामा प्यारे को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, जो नाम हमारे राधा रानी को, जो नाम हमारे
Oh,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I'm